जी मैम, स्टूडेंट आ गए हैं, लगभग 12 स्टूडेंट हो गए हैं, तो आपकी अनुमति है तो शुरू करते हैं। आपकी माइक म्यूट है मैम, माइक अनम्यूट कर लें। चलिए ठीक है सर। जी तो स्वागत है विद्यार्थियों, और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। छुट्टी के दिन सेकंड हाफ में अपना समय दिया, क्योंकि ये समय आपका अपना होता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों कि आप लोगों ने समय निकाला इस कक्षा के लिए। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहाँ आज हम लोग DFHT आप लोगों के जो पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन, उसके तीसरे पेपर जो प्रथम छमाही में फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी के विविध प्रयोग, उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में पुनः आज हमारे साथ मैडम तुलिका विश्वास जी उपस्थित है, तो मैडम का धन्यवाद। और मैडम अभी वर्तमान में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बुरला संबलपुर में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा में कार्यरत है, तो मैम का अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने हिंदी विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर चर्चा आगे बढ़ा। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस विषय पर अपनी बात रख सकूँ। मैं अभिषेक जी और हमारे टेक्निकल टीम का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का विषय थोड़ा बड़ा है और हमारे पास समय सीमित है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का विषय शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि स्क्रीन में मेरे नाम से दो आपके विंडो आ रहे हैं। पहला जो मेरी तस्वीर आ रही है, दूसरा है आपका जिसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो हमारा आज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो कृपया उसको आप मेन स्क्रीन में ले आए। और सभी से अनुरोध है कृपया स्क्रीन शेयर ना करें, जिससे कि स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये मेरा जो स्क्रीन शेयर है वो चला जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा विषय है कार्यालयी हिंदी के विविध प्रयोग। तो हिंदी, हिंदी से हम क्या समझते हैं? हिंदी एक भाषा के रूप में हम जानते हैं वह भाषा जो अलग-अलग स्वरूपों में हमारे साथ आती है, हमारे हमसे रूबरू होती है, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने जिंदगी में अलग-अलग जगह करते हैं, जिस हिंदी का प्रयोग हम अपने जीवन के अलग-अलग स्तरों में करते हैं। हिंदी में एक दो पंक्तियां हैं हिंदी में कि एक सूत्र में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही भावना हिंदी है। तो हिंदी यही भावना के साथ काम करती है कि आपसी पहचान गहरी हो और हिंदी में हम अलग-अलग जगह पर काम कर सके, इसीलिए हिंदी का स्वरूप भी हमारे क्षेत्रों के हिसाब से बदलता जाता है। जो हम बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वह हिंदी निश्चित ही हम लिखित रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जो शब्द हम लिखित रूप में उपयोग करना उचित नहीं माना जा सकता है। उसी तरह से कार्यालयी हिंदी, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसी को हम कार्यालय में भी प्रयोग करेंगे, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप थोड़ा सा अलग है और उसे सीखने के लिए भी एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जिस तरह से कार्यालय के अन्य कामों को करने के लिए भी आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए आजकल कार्यालय के कई मुद्दों को, कई रूपों को विश्वविद्यालय के अलग-अलग जगहों पर पढ़ाया जाता है और उनसे छात्रों को रूबरू कराया जाता है, जिससे कि जब वो पढ़ाई खत्म करके कार्यालयीन कामों में योगदान दे तब उन्हें एकदम नई समस्याओं का सामना न करना पड़े, कुछ चीजें जो वे विश्वविद्यालय से ही सीख कर आए। उसी कड़ी में कार्यालय हिंदी यानी फंक्शनल हिंदी को भी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में रखा गया है। आज से कुछ साल पहले भी इसे नहीं इंक्लूड किया गया था, मगर आजकल फंक्शनल हिंदी को इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे
राजभाषा अधिकारी या अनुवादक या अन्य स्तर पर भी कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं और तब उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका जवाब खोजने में उन्हें काफी वक्त लग जाता है। तो आज की कार्यशाला उन्हीं कार्यालय हिंदी के विविध प्रयोगों पर है जो आपको यह जानकारी देगी कि कार्यालय इन कार्यों में हिंदी का कैसे प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार कार्यालय में अनेक चीजों का प्रयोग होता है, जैसे कि पत्र है या टिप्पणी है, ऐसी चीजें जो कार्यालय के बाहर बहुत ज्यादा प्रयोग में हमारे आती नहीं है, परंतु जब आप कार्यालय में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनविटेबल हो जाता है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्यालय में जो हिंदी प्रयोग होती है, हम आप सभी जानते हैं कि वह हिंदी का राजभाषाई रूप है, यानी वह हिंदी जो राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, मेरी पिछली क्लास उसी पर थी, राजभाषा के रूप में हिंदी। तो राजभाषा के रूप में जो हिंदी स्वीकृत है उस हिंदी का कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग होता है। उसके अलावा हिंदी के और 18 बोलियों सहित बहुत तरह के रूप हैं, मगर उनका प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में नहीं होता है। ऑफिशियल काम हमेशा ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। तो राजभाषा हिंदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 में प्रतिष्ठित हुई थी। उसे भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता दी। वह हिंदी जो खड़ी बोली से मिश्रित है और संस्कृत निष्ठ है, उर्दू निष्ठ नहीं है, संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है वह हिंदी आपकी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हालांकि आज की तिथि में बहुत सारे उर्दू शब्दों का भी समावेश हो रहा है, परंतु नए शब्दों के गठन या किसी भी शब्दों के प्रयोग में सबसे पहले उसे संस्कृत से ही अब तक ले लिया लिया जाता रहा है। तो इसीलिए राजभाषा हिंदी उसी को माना गया है। भारतीय संविधान, तो सबसे पहले हम कार्यालयीन कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे किन किन जगहों पर प्रयोग करने की बात कही गई है उस बारे में बात करेंगे। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान आपके भाग 5 के अनुच्छेद 120, भाग 6 के अनुच्छेद 210 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों में क्या है? इन प्रावधानों में है कि राजभाषा के रूप में हिंदी या किन किन जगहों पर प्रयोग होगी और किस प्रकार प्रयोग होगी, उनमें क्या बाध्यताएं हैं और क्या सीमाएं हैं, इन इन चीजों का पूरा विस्तृत विवरण आपको इन संविधान के अनुच्छेदों में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जिस कार्यालय हिंदी का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप पर जब हम बात करते हैं तो स्वरूप में होगा कि संघ की राजभाषा, वो 343 में आपका दिया हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी, यानी कि कार्यालयीन हिंदी का सबसे पहला स्वरूप यही है, लिपि आपकी देवनागरी होगी। किसी भी दूसरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को आप राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दे सकते हैं। शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी जिस रूप में आजकल आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को देखते हैं, जिसको मैंने अपने इस पावर पॉइंट में भी दिखाया है, आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इसमें, हाँ दिख तो रहा है, तो हाँ तो आप इसको देख सकते हैं, उसी तरह से ये भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट किया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता इन्हें मिली है, तो इनका प्रयोग होता है और इनका जो बेस है, जिनका आधार है, वो आपके भारतीय अंक ही है। तीसरी बात इसमें कही गई थी, पहली बात ये है कहाँ प्रयोग होंगे, दूसरी है कैसे प्रयोग होंगे और तीसरी है कब कब से प्रयोग होंगे। क्योंकि जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो उससे जस्ट पहले की जो राजभाषा थी वो थी आपकी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को आप ऐसा भारत जैसे बहुभाषी और बहु राज्य जैसे एक देश में, एक बड़े देश में, ये संभव नहीं है कि आप एक दिन में आप आज अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, कल आपने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दी और हिंदी में काम करना शुरू कर दिया, ये संभव नहीं था। इसीलिए इसे 15 वर्ष की अवधि दी गई।
15 वर्ष की अवधि इसलिए दी गई क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो हिंदी में काम नहीं करते थे, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्हें सीखने के लिए और हिंदी का बढ़ावे के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया। 15 वर्ष ये रखा गया कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का उसी तरह प्रयोग होता रहेगा जिससे जिसका ठीक पहले जैसे प्रयोग होता रहा है। मगर 15 वर्ष के बाद जहां जहां पे अंग्रेजी लिखा है, जहां पे कि या अंग्रेजी पर काम होगा या अंग्रेजी में इसके दस्तावेज, वहां पे अंग्रेजी की जगह हिंदी को लिया जाना था, यानी 15 वर्षों बाद राजकीय काम आपकी सिर्फ हिंदी में की जानी निश्चित थी। परंतु राजभाषा अधिनियम 1963 में इस 15 वर्ष की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया और यही कारण है कि आज तक भारत की शासकीय यानी कि गवर्नमेंट के कामों में, शासकीय कामों में अभी भी अंग्रेजी का पूर्णतः प्रयोग होता है। उसका कारण वही है कि राजभाषा नियम 1963 यानी 1963 में इस 15 वर्ष की समय सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब आते हैं हम कार्यालय हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। कार्यालय हिंदी, अरे कार्यालय हिंदी की विशेषताएं हैं। कार्यालय हिंदी की सबसे पहली विशेषता ये है आपकी संप्रेषणीयता। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो कार्यालय हिंदी की संप्रेषणीयता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जब तक आप अपनी बात कह रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा है तब आपकी बात के कहने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो संप्रेषणीयता, भाषा का मुख्य काम आपका संप्रेषण ही है। तो जब आपने कोई बात कही और अगर आपकी बात सामने वाले को समझ में ही नहीं आई तो आपकी कार्यालय हिंदी का वहां पे महत्व तो नहीं रह जाता है। तो संप्रेषणीयता, और इसी संप्रेषणीयता को आधार बनाकर अब तक कहा जाता है कि कार्यालय हिंदी को सरल बनाइए। जितनी ज्यादा सरल होगी उतनी ज्यादा उसकी संप्रेषणीयता बढ़ती है। यानी कि अगर आप कहे कि मान लीजिए आपने तिथि शब्द का प्रयोग किया और तिथि की जगह आप तारीख लिखते हैं, तो अगर आप तिथि और तारीख में अगर आपको तारीख ज्यादा आसान लगती है तो आप तारीख शब्द का प्रयोग करें। उसी तरह तो संप्रेषणीयता यानी कि जितनी सरल होगी उतनी ज्यादा वो संप्रेषित होगी, उतनी ज्यादा फैलेगी और लोग उसको जल्दी समझेंगे। पहली है संप्रेषणीयता, वो बहुत ही जरूरी अंग है। दूसरी है स्पष्टता। अगर आपकी भाषा स्पष्ट नहीं है तो कार्यालय हिंदी में उसका महत्व एकदम शून्य है। यानी कि अगर आप स्पष्ट नहीं लिखते हैं, कई शब्दों कई बार लोग लिखते हैं कि मिश्रित वाक्य लिखते हैं, तो आपकी आप जो कहना चाहते हो वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। और कार्यालय हिंदी स्पष्टता के लिए जानी जाती है। शब्द और विचार दोनों स्तर पर ये स्पष्ट हो, यानी आपके शब्द भी उतने ही स्पष्ट हो, आप कहना क्या चाहते हैं वो बात भी आप क्लियरली रखें, उस बात से आप डेविएट नहीं कर सकते हैं। तीसरी है सरलता। ये संप्रेषणीयता का ही एक अंग है कि जितने भी लंबे लंबे शब्दों का, जैसे कि रेल के लिए शब्द आया था लौहपथगामिनी, तो लौहपथगामिनी आपका सरल नहीं रह रहा था, उससे संप्रेषणीयता हो रही थी मगर उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही थी। जबकि रेल जो शब्द है वो भले ही अंग्रेजी का शब्द है मगर वह शब्द रेल जो शब्द है वह लोगों से जुड़ चुका था, वो शब्द रूढ़ हो चुका था, रेल शब्द को हम कहीं और उपयोग नहीं कर रहे थे। तो सरलता की दृष्टि से रेल को रेल ही रहने दिया, बैंक को बैंक ही रहने दिया, बैंक को कुछ कोषागार जैसे शब्द नहीं लिए गए उसके लिए, बैंक को बैंक ही रहने दिया और रेल को रेल ही रहने दिया। इसीलिए सरलता, सीधे साधे सरल शब्द और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग, लंबे मिश्रित संयुक्त वाक्यों का प्रयोग प्रयोग से कम का कम से कम प्रयोग करें और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। चौथा है सर औपचारिकता। कार्यालय हिंदी की भाषा औपचारिक होती है, उसमें आपके मन के भावों को प्रकट करने की बहुत ज्यादा आजादी नहीं होती है। आप व्यक्तिगत संबंधों और आत्मीय रिश्तों की प्रस्तुति वहां पे नहीं होती है, यानी मुझे यानी आपके इस बात से मुझे गहरा आघात लगा है, आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इन शब्दों का प्रयोग कार्यालयीन भाषा में नहीं किया जाता है, वरन इन शब्दों को दूसरी तरह से लिखा जाता है कि आपकी यह बात
पूरी अयाचित थी, कृपया आप भविष्य में इन बातों से बचें। इस इन इन जैसे शब्दों का प्रयोग जो होता है वो आपकी औपचारिकता पर आता है। फॉर्मल टॉक, इनफॉर्मल आपको नहीं होना है। जैसे अगर आप, इसमें एक और बात आती है, कई बार लोग व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पे किसी महिला को, जैसे आप लिख रहे हैं, पुरुष को आपने महोदय लिखा, मगर महिलाओं को आपने जैसे डियर सर लिखते हैं, उसी तरह से महिलाओं को कई बार प्रिय महोदया शब्द का उच्चारण होता है। तो प्रिय महोदया एक किसी तरह से औपचारिक शब्द नहीं है या अनौपचारिक है। अगर किसी महिला को आप किसी पत्र में संबोधन कर रहे हैं तो उसे प्रिय शब्दों से ना संबोधित करें और सिर्फ महोदया लिखें और उन्हें मतलब एक पूरी तरह से एक इज्जत दें और मतलब अपनी भाषा में अनौपचारिकता न लाए। ये सब छोटी छोटी चीजें कार्यालयीन कामों में जब आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तब आपको सिखाई जाती है कि महोदया के साथ कभी भी प्रिय शब्द का प्रयोग ना करें। तो उसी तरह से अपनी बातों में पूरी तरह से औपचारिकता रखें। छठी है आपकी अभी अलंकारहीनता। अलंकारहीनता यानी किसी तरह के अलंकारों का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में नहीं होता। शब्दों को सुंदर करने का, जैसे आपने अनुप्रास अलंकार का कई जगह प्रयोग कर दिया और आपको लगा कि आप बहुत अच्छा, आपने एकदम बहुत सही भाषा लिखी है, लोग पढ़ के इम्प्रेस हो जाएंगे, मगर कार्यालयीन कार्यों में इन शब्दों को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। अलंकारों का प्रयोग, लाक्षणिक बातों का प्रयोग नहीं होता है। सीधी और स्पष्ट बात कही जाती है, किसी तरह के शब्द सौंदर्य का प्रयोग वहां पे नहीं होता है। छठा है आपका अभिधार्थ स्वीकारता। अभिधार्थ मतलब जो जो शब्द आपने जिस सेंस में लिया है आपका सेंस वही होना चाहिए। अभिधा यानी कि सीधी सीधी बात सीधे सीधे शब्दों में, आपकी आप किसी तरह से व्यंग्योक्ति अपने कार्यालयीन कार्यों की भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी कोई बात ठीक नहीं लगी है तो आप उसे व्यंग्य के तौर पर नहीं बल्कि सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखेंगे। किसी तरह की व्यंग्योक्ति को कार्यालयीन कार्यों में पूरी तरह से मनाही की जाती है, क्योंकि ऐसी बातें सामने वाले को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वहीं पे हमारी सबसे पहले क्या हैम्पर होती है, संप्रेषणीयता उससे आघात पाती है। इसीलिए अभिधार्थ स्वीकार्यता आपकी बहुत जरूरी है। शब्दों को उसी सेंस में ले, शब्दों को उसी अर्थ में ले जिस अर्थ में वो अभिधा के रूप में प्रयोग हो रही है। लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके बाद है विषय संगतता, यानी कि हिंदी विषय से सीधा संबंध रखने वाली बातें। ये नहीं कि आपका, आपने मान लीजिए आपको एक कई बार देखा जाता है लोग हिंदी बहुत अच्छी करने, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है ये दिखाने के चक्कर में, कई बार मान लीजिए आपको एक कार्यालय में एक वाटर कूलर चाहिए तो आपने बिल्कुल जल जल की महत्ता से अपनी बात शुरू की अपने पत्र में कि जल का महत्व तो है संसार में, जल का पूरा महत्व तो है, बिना जल के जीवन नहीं है, जल जल के बिना आदमी भी, जल बिन मछली जैसा, मतलब इस तरह के शब्द से बहुत लोग शुरू करते हैं जो एकदम से काम में नहीं है। यानी कि अगर आपसे आपको वाटर कूलर चाहिए अपने कार्यालय के लिए तो सीधे सीधे शब्दों में हमें पानी पीने की असुविधा हो रही है, यहाँ इतने लोग काम करते हैं, गर्मी के मौसम में पानी पीने की असुविधा है, कृपया यहाँ वाटर कूलर लगाने का प्रबंध किया जाए, बात खत्म। कई बार लोग लंबा लंबा पत्र लिखते हैं, डेढ़ दो पेज का लिखते हैं, पहले जल का महत्व बताएंगे, उसके बाद जल के बिना मानव का महत्व बताएंगे और दुनिया भर का ये कहानी लिखेंगे, उसके बाद वो जब तक अपनी बात रखते हैं तो कई बार समझ में भी नहीं आता कि आखिर मांग क्या रहे हैं, आखिर उनकी बात, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में कई बार ये किया जाता है कि लंबे लंबे पत्रों में जब वो उच्चाधिकारी तक जाते हैं तो जो उनके सचिव या सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लंबे पत्रों में जो मुख्य बात, जो जो चीज उन्होंने मांगी है उस चीज को वो हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि वही मुख्य चीज है और आपके लिखने का वहां पे मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि वो हाईलाइटेड चीज को ही पढ़ते हैं, आगे का जो लिटरेचर आपने लिख रखा है उसका कभी काम नहीं आता। तो विषय संगतता से आप एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। सीधी सटीक और विषय से संबंधित बात करें, लंबी लंबी बातों को कार्यालयीन कार्यों में बहुत ही अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। इसके बाद है कर्मवाच्य का प्रयोग। कई बार लोग
चिट्ठी लिखते हैं तो लिखते हैं, मुझे काफी प्रसन्नता हो, मुझे यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। तो इससे क्या है कि ये कार्यालय कार्यों में इसका बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया जाता है। ज्यादातर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप, मतलब मान लीजिए आपको किसी को ऑर्डर देना है, तो आप ऑर्डर क्या दे, आप फलाने, आपसे अनुरोध है या आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ये काम करें। उसके अलावा आप अगर उसे कर्मवाच्य में लिखे कि आपके द्वारा ये काम किया गया तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई, या फिर आप आपके कार्यालय के द्वारा, तो के द्वारा जैसे शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं अगर मान लीजिए मैंने कोई रिपोर्ट लिखा, कोई रिपोर्ट है, जैसे मेरे यहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ, मान लीजिए हिंदी दिवस का कार्यक्रम हुआ, तो हिंदी दिवस का कार्यक्रम हुआ तो हम आज हिंदी दिवस हमारे यहाँ पे मनाया गया, तो उसकी जगह पे अगर आपने, आप लिखते हैं हमारे कार्यालय ने हिंदी दिवस मनाया, हमारे इसमें हमारे महाप्रबंधक महोदय आए और महाप्रबंधक महोदय ने कहा, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया तथा सरस्वती वंदना की, उसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो इन शब्दों का वहां पे कम प्रयोग करें, कर्मवाच्य का प्रयोग करें। आपके जहाँ पे मैं मनाया गया उसकी जगह पे, नहीं सॉरी, जहाँ पे आपने हमारे कार्यालय ने मनाया उसकी जगह पे हमारे कार्यालय द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया, हमारे महाप्रबंधक महोदय द्वारा ये दीप प्रज्वलन किया गया, महाप्रबंधक महोदय द्वारा ये कहा गया कि ये, तो कर्मवाच्य का प्रयोग करें। कर्मवाच्य का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में सर्वाधिक होता है। इसके बाद है आपका पुनरुक्तिहीनता। पुनरुक्तिहीन यानी किसी कथन या मुद्दे को आप बार बार न दोहराए। अगर आपने वाटर कूलर की बात लिख दी है तो उसको फिर अगले सेंटेंस में मत दोहराए, और इस तरह से मत करें जिस तरह से आप उस, मतलब आपकी चिट्ठी लंबी होती जाए। कम से कम छोटी से छोटी बात को रखें, और जब आप पुनरुक्ति करते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। कोई भी बात जो आप 3 से 4 बार दोहराते हैं अपने पत्र में तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता है। एक बार लिखें और सटीक लिखें, जिससे कि आदमी उसी बात को समझे और उस बात, उस कथन पर आपका काम करे। तो तो विषय संगत और संक्षिप्त हो, जितना संक्षिप्त हो कार्यालय काम उतना बेहतर माना जाता है। इसके बाद है श्रृंखलाबद्धता, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई कोर्ट में आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, यानी मान लीजिए शिकायत देख रहे हैं, तो शिकायत में आपने, आपको एक रिपोर्ट बनानी है या फिर शिकायत संबंधी आपको एक पत्र देना या पत्र का जवाब देना है, तो आपको श्रृंखलाबद्धता निभानी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप 20 तारीख को कोई पत्र लिख रहे हैं जिसमें आपको पूरे पिछले महीने का पूरा लिखना है, तो आपने 2 तारीख का पहले लिखा, 10 तारीख बाद में लिखा, फिर आप आ गए 7 तारीख में, फिर आपने 13 तारीख का लिखा, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्रमबद्धता है वो छूटती है। श्रृंखलाबद्ध, तो अगर आप किसी चीज को, किसी प्रोसीडिंग को लिख रहे हैं, कोई चीज जो कई दिनों से होती आ रही है, फिर कोई चीज जो पॉइंट वाइज हो रही है, तो उसे श्रृंखलाबद्ध रूप से ही लिखें, जिससे कि सामने वाला आपकी बात समझ सके। क्योंकि हमारा मुख्य बात क्या है, वही घूम फिर के है कि संप्रेषणीयता होनी चाहिए। आपने अगर हैफजर्ड लिखा तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो संप्रेषणीयता बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखें। तो इसमें सबसे जरूरी बात है, हो सके तो अपनी बात बुलेट्स में लिखें। बुलेट का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आप जिस बात को रख रहे हैं वो काफी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए। इसके बाद है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जरूर करें। पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि एक रूपता रहे। यानी कुछ शब्दों के कुछ अर्थ एकदम रूढ़ होते हैं, उनको अलग से नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए टेंडर है, टेंडर के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, मगर निविदा जो शब्द है वो आपका रूढ़ हो चुका है। इस तरह से डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बहुत जगह पर देखेंगे आप, कागजात लिखते हैं, कुछ दस्तावेज लिखते हैं, तो क्योंकि हमारी भाषा आपकी संस्कृत से निष्ठ है, तो हम दस्तावेज का ज्यादा प्रयोग करेंगे, कागजात का कम प्रयोग करते हैं। तो मगर आप बहुत जगह देखेंगे कागजात लिखा है, कहीं दस्तावेज लिखा है। इससे क्या होता है कि लोग हिंदी पर फिर पूरा पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप ही एक जगह पर कागजात देखें, एक जगह पर दस्तावेज देखें, और अलग अलग जगह पर देखेंगे हिंदी का अलग अलग प्रयोग हो रहा है। जैसे कलेक्टर, कलेक्टर शब्द को लेके बहुत कंफ्यूजन है, कई लोग जिलाधीश लिखते हैं, कई लोग जिलाधिकारी लिखते हैं, कई लोग कलेक्टर ही लिख देते हैं,
पारिभाषिक शब्दावली का जरूर प्रयोग करें, उससे क्या है कि एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, तो आप कहीं भी जाए आपको डॉक्यूमेंट को दस्तावेज ही लिखाएगा, कागजात उसे नहीं लिखा। तो जो लोग कागजात लिखते हैं उन्होंने दस्तावेज के पारिभाषिक शब्दावली को का प्रयोग नहीं किया है, तो उन्हें वो अपने हिसाब से उसमें कागजात लिख रहे हैं, तो इससे क्या है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो एक रूपता एक अर्थता के लिए जरूर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करें। सभ्य और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करें, ये तो कहने की कोई खास आवश्यकता नहीं है कि आपकी भाषा सभ्य और सुसंस्कृत हो। उस जैसे तू जैसे शब्दों का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में कतई नहीं होता है, तू और तुम जैसे इनफॉर्मल शब्द जो आपके औपचारिक नहीं है, यहाँ औपचारिकता की बात आ जाती है कि तू तुम जैसे शब्दों का प्रयोग आपका कार्यालयीन कार्यों में नहीं होता है। बहुत कोशिश की जाती है क्योंकि इसमें इसमें देखिए बाकी सारी बातें इसी में आ जाती है कि आप कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं तो आपका प्रयोग भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो फिर भी अगर आप मान लीजिए अगर आपको थर्ड ये आपको आपका प्रयोग करना ही पड़ रहा है, सेकंड पर्सन का प्रयोग करना, तो आप उसमें तू और तुम जैसे शब्द कतई ना लगाए, सिर्फ आप का ही प्रयोग करें, आप या फिर मैं की जगह हम या आप, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करें। और सभ्य और सुसंस्कृत हो क्योंकि वो कार्यालय भाषा है और कार्यालय कार्यालय भाषा की सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो सुसंस्कृत होनी चाहिए, उसमें अनौपचारिक और असभ्य भाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली पर बात हो रही थी। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म कहा जाता है, यानी कि तकनीकी क्षेत्रों में जो प्रयोग होता है जिसकी परिभाषा तय कर दी गई हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिभाषाओं में प्रयोग होते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी एक शब्द बताया था, जैसे अनाज का प्रयोग होता है हिंदी में कुछ और प्रयोग होता है, बंगला में कुछ और प्रयोग होता है, हिंदी में उसे आपके चावल या गेहूं जैसे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, मगर बंगला में वो सब्जियों के शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर पारिभाषिक शब्दावली जिस पारिभाषिक जो शब्द है उसकी एक शब्दावली बनती है और उसकी परिभाषा बिल्कुल उसी प्रकार से तय कर दी जाती है, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे मजिस्ट्रेट को कई लोग मजिस्ट्रेट लिखते हैं, कई लोग उसके अलग अलग शब्द बनाते हैं, मगर उसके लिए दंडाधिकारी शब्द पूरी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। तो जिसकी परिभाषा तय कर दी हो, जो शब्द का अर्थ रूढ़ कर दिया गया हो, इसका अर्थ सुनिश्चित होता है, स्पष्ट होता है और एक विषय में उसका एक ही अर्थ होता है, एक विषय में दो दो अर्थ उसके नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कमर्शियल वे में जाइए, जब आप बैंकिंग या कमर्शियल कोई काम करते हैं, आपने एसेट शब्द सुना होगा, एसेट एंड लाइबिलिटीज, तो एसेट शब्द सुना था, तो एसेट क्या है आपका, आस्ति है। अभी एसेट के तीन चार और परिभाषा है, एसेट की एसेट को परिसंपत्ति भी कहा जाता है, एसेट को संपत्ति भी कहा जाता है, मगर जब आप पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं तो आपको एसेट के लिए आस्ति शब्द का प्रयोग उसे रूढ़ कर दिया गया है। इसके साथ ही जैसे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज शब्द है, उसके लिए कई जगह पे दायित्व है, कई जगह पे उत्तरदायित्व है, कई जगह पे देयताएं हैं, मगर पारिभाषिक शब्दावली यानी कि कॉमर्स या बैंकिंग के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, कॉमर्स और बैंकिंग की पारिभाषिक शब्दावली में उसे देयताएं कहा गया है और पूरा बैंकिंग उसे देयताओं के रूप में उपयोग करता है। तो आप बैंक में कहीं पे भी जाएंगे आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज आस्ती और देयताएं ही कहा जाता है। तो और ये एकार्थ और एक रूप होता है। अच्छा, पारिभाषिक शब्द छोटा होना चाहिए जिससे कि वो उसके प्रयोग में सुविधा हो, यानी कि मान लीजिए कोई शब्द है जैसे फलाना होने वाला ये, तो ऐसे होने वाला या तीन चार शब्द लाइन से जुड़ा हुआ जो एक शब्द है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए एक अर्थ जैसे यहाँ पे एक शब्द है, अभी एक अर्थ का क्या है, एक ही अर्थ वाला। अब मान लीजिए आपको एक अर्थ शब्द सूझ नहीं रहा है, अभी आपको कहीं पे प्रयोग करना है, तो आपने एक ही अर्थ वाला लिखा और आप उसे मान रहे हैं कि वो पारिभाषिक शब्दावली है, वो कतई नहीं है क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली छोटे से छोटा और एक से दो शब्दों में संक्षिप्त हो, उससे ज्यादा उसे नहीं किया जाता है। तो क्योंकि प्रयोग में सुविधा होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द मूल या रूढ़ होता है, व्याख्यात्मक नहीं। वही बात आ जाती है कि व्याख्यात्मक नहीं, मूल और रूढ़ शब्द होता है आपके मतलब पारिभाषिक शब्दावली में कभी भी। जैसे मान लीजिए इसमें
जैसे ग्रहण योग्य एक शब्द है, तो मैंने ग्रहण योग्य एक शब्द लिखा, वो पारिभाषिक शब्द है, मगर जब मैंने ग्रहण के लिए योग्य इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैंने वो व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए, एक या दो शब्द में रूढ़ हो और प्रयोग हो, जिसके अर्थ से सब छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सके। जैसे इसमें आपका, जैसे मान लीजिए आपने जैसे चिकित्सा जैसे आपका है कि चिकित्सा मेडिकल शब्द है, अभी आप जो भी इस रिलेटेड जो भी आप टर्म लेते हैं, इससे संबंध जितने भी, जैसे चिकित्सा है तो चिकित्सक है, चिकित्सक है तो चिकित्सकीय है, तो आप उससे अलग अलग, जैसे मेडिकल से संबंधित जितने भी टर्म है उसका मूल आपका चिकित्सा रहे, उसके बाद आप अलग तकनीक तो ट्रेनिंग के लिए अभी से विज्ञान हुआ, ज्ञान से वैज्ञानिक हुआ, तो उसी तरह से आपका कुछ हुआ क्या, आवाज आई मेरी, आवाज से सुनाई नहीं दी, मैं हेडफोन लगा लू क्या, एक बार देख लेती हूँ। आवाज आ रही थी बीच में, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था आवाज, बाकी स्टार्टिंग से क्लियर अच्छी आ रही थी, बीच में भी हल्का फुल्का। अच्छा मेरी आवाज आ रही है तो मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम अभी अच्छे से आ रही है, वो थोड़ा सा जानते हैं मौसम वगैरह भी है, बारिश का टाइम तो होता है बीच बीच में, कोई नहीं मैं आप कंटिन्यू कीजिए, अभी आ रही है आवाज। ठीक है सर, तो संबंध छायाओं को कहा, अभी भी तो लिखा है कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है मैम उस एरिया में इंटरनेट प्रॉब्लम हो क्योंकि मुझे क्लियर आ रहा है। ये एक बात है कि आपके रिसीवर एंड से भी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा हो सकता है मैडम, थोड़ा देख लीजिएगा, आपके जहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है वहां से एक बार सुन लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। आपका आवाज क्लियर है मैडम? मेरी क्लियर है तो ठीक है सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विविध कार्य क्षेत्रों के अनुसार इसकी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे शिक्षा, प्रशासन, बैंक, रेलवे, जो शब्द जिधर प्रयोग होते हैं उसका प्रयोग मतलब उसका उस हिसाब से शब्दावली क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं बताऊं हमारे जैसे मैं एक शब्द वही ले रही हूँ, आपका आस्ती वाला ले रही हूँ, अभी आप कोर्ट की कार्यवाही में आ जाए तो कोर्ट की कार्यवाही में आपके जितने भी एसेट्स माने जाते हैं उनका परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पे संपत्ति और जायदाद पर बहस होती है। अच्छा ठीक है, तो संपत्ति और जायदाद पर ही बहस होती है, मगर जब आप बैंकिंग में आते हैं तब उसे आस्ती के रूप में माना जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मगर और अलग अलग क्षेत्रों में उसे अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। तो प्रशासन, बैंक, चिकित्सा जैसे सबका अच्छा ठीक है। तो बारिश के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा मौसम भी खराब ही है, क्या करें। हाँ, तो सबकी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है। आप पारिभाषिक शब्दावली ज्यादातर आजकल की तो बहुत सारी जो कार्यालय हैं वो अपने वेबसाइट में पारिभाषिक शब्दावलियां देती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की शब्दावली आपको रिजर्व बैंक की वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके अलावा आप गृह मंत्रालय की शब्दावली अलग है, चिकित्सा के विभाग की शब्दावली अलग है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली CSTT कहते हैं इसे, वो CSTT की शब्दावली आप CSTT गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। उसी तरह कला की शब्दावली अलग है, और सब जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं अपने वेबसाइट में उसे वो उन शब्दावलियों को संलग्न करती है, आप वहां से उन शब्दावलियों को देख सकते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि बात किया था मैंने कि भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 17 और 17 में संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 120 जो भाग 5 में था उसमें संसदीय कार्यों में
प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है कि संसदीय कार्यों में 15 वर्षों तक संसद को कार्य करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने का था, मगर ये बाद में इसमें बदल दिया गया। 210 में है विधानमंडल में जो प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं उनका है, विधानमंडलों में राजभाषा और राजभाषाओं का राज्य भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था। 343 पर बात कर चुकी हूँ कि संघ की राजभाषा लिपि और देवनागरी पर होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति पर है। इसमें एक आयोग गठित हुआ था और 8वीं अनुसूची, जिसमें मैंने पिछले क्लास में ही बात की थी, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को के प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। इसमें उच्चतम न्यायालय में क्या कौन सी भाषा प्रयोग होगी और पत्रादि की भाषा, एक राज्य से दूसरे राज्य की कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, ये सब वर्णन किया हुआ है। इस समिति के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति आती है, जिसमें कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य हैं। ये सदस्य बीच बीच में निरीक्षण भी करते हैं। खैर, ये थोड़ी कार्यालय बात हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। संसदीय राजभाषा समिति 3 उपसमिति है उसकी, तो अलग अलग जैसे आपके मिनिस्ट्रीज हैं, सब विभिन्न मिनिस्ट्रियों का विभिन्न मंत्रालयों को 3 समिति में बांट दिया गया है। खैर, ये कुछ खास काम की नहीं है। राज्य की राजभाषाएं 345, अगर आप राजभाषा अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या उस तरफ इच्छा रखते हैं, इन अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरव्यू हैं उनमें यही सब पूछा जाता है। तो विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषाएं या राज्य की राजभाषाओं का प्रयोग दिया गया है। 346 में आपकी राज्यों के बीच और राज्य और संघ के बीच कौन सी पत्राचार होंगे, अगर दो राज्यों की राजभाषा की, अगर दो राज्य ये करार करते हैं कि दोनों की पत्राचार की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। और 347 में है राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में विशेष उपबंध है, कि मान लीजिए आपकी कोई भाषा है जिसे मान्यता दी जाएगी तो उसे 347 के आधार पर मान्यता दी जाती है। 348 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत ज्यादा इस पे बातचीत चल रही है, बहुत बहस की भाषा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। ये अभी तक इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालयों में देखिए लिखा है उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। अभी इस बारे में बहुत जोर शोर से बात हो रही है, काफी बहस हो रही है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी को भी उसमें रखा जाए, मगर अभी तक पूरी बहुत अच्छे कुछ निर्णय नहीं आए हैं। कुछ कुछ जगहों पर हिंदी को स्वीकार्यता मिली है, मगर अभी तक हमें काफी लड़ाई लड़नी है, काफी रास्ता तय करना है। अभी तक उच्च और उच्च न्यायालय की भाषा मुख्य भाषा के अंग्रेजी ही है और वो 348 का ही एक पार्ट है। 349 में है कि 15 वर्ष की अवधि के दौरान, अगर ये 15 वर्ष की अवधि के दौरान का था कि उसके बाद इसमें संशोधन कर दिया गया, इसमें कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया थी, तो उसके लिए राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को के लिए मतलब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी था, अथवा वो उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता था। 350 बहुत ही महत्वपूर्ण था कि व्यथा के निवारण में अभ्यावधान में प्रयोग की जरूरत, व्यथा के निवारण माने ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी अगर आपको कोई शिकायत है, आपके मन में कोई तकलीफ है, अगर आपने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यथा के निवारण में राज्य या किसी अधिकारी या किसी को भी किसी भी भाषा में आवेदन करने का हकदार होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप कन्नड़ जानते हैं और आपको कन्नड़ के अलावा कोई भाषा नहीं आती है, तो आप कहीं पे भी, क्योंकि वो 22 भाषाओं में एक भाषा है, आप कभी कहीं पे भी अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल शिकायत अपनी कन्नड़ में दर्ज करवा सकते हैं। इसी में आपका भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति की थी और प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं भी 350 के अंतर्गत आती है। 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है कि हिंदी भाषा में के विकास में नए नए शब्दों का योग, ये सब 351 में आता है। नए नए शब्दों का योग, कोई जैसे मान लीजिए अभी तकनीकी का डिजिटलाइजेशन है, तो डिजिटलाइजेशन को डिजिटलीकरण कहा गया, तो डिजिटलीकरण, या फिर अभी के लिए तो बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोविड के समय बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके
शब्दावली में नए जुड़ रहे हैं। जैसे क्वारंटाइन जैसे शब्द तो काफी काफी पुराने थे, क्वारंटाइन पहले भी हुआ करता था, मगर क्वारंटाइन के लिए संगरोध शब्द, संगरोध शब्द, ये सब जो कुछ नए शब्दों को शब्द भंडार में जोड़ना है, और तो ये आपका 351 से आता है। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करें, यानी कि जिस शब्द का अर्थ संस्कृत में उपलब्ध है उसके लिए अन्य भाषा का प्रयोग करने करने को हतोत्साहित किया गया है। तो उसी तरह से और आ, आ, तो भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति के लिए उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी माने उर्दू मिश्रित हिंदी और 8वीं अनुसूची के अन्य भाषाओं को भी आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक है वहां पे आप नए शब्द भंडार बना सकते हैं और उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जैसे सैनिटाइजर, सैनिटाइजर शब्द को का बहुत ही शब्द का प्रयोग करने की कोशिश की, नया बनाने की कोशिश की गई, मगर सैनिटाइजर शब्द तब तक रूढ़ हो चुका था तो इसीलिए उसे वैसे का वैसा ही रहने दिया गया। मगर क्वारंटाइन को संगरोध किए जाने की कई जगह पे कोशिश हो रही है क्योंकि क्वारंटाइन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा संस्कृत में शब्द है। इसके अलावा राजभाषा 1976 में आप जाए तो इसमें ज्यादातर इसमें मेन है, हाँ इसमें धारा 3-3 में आप मान लीजिए विभिन्न कार्यालयों के साथ जब आप पत्राचार करते हैं, नहीं ये तो पीछे चला गया, इसी में आ जाते हैं। हाँ तो धारा 3-3-1 आपका है वो आपके 1963 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए है कि धारा 3-3 मान लीजिए, ऐसे पत्र जो किसी एक आदमी को नहीं लिखे जाते, पत्र कई प्रकार के होते हैं, उसमें आपका क्या है, एक पत्र जो आप खुद लिख रहे हैं और आप किसी एक आदमी को लिख रहे हैं, एक पत्र है जो एक समूह को लिख रहे हैं। इन पत्रों में क्या, जैसे कोई आदेश है, मान लीजिए आपके आपके कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तब गणतंत्र दिवस में कृपया सभी भारतीय पोशाक पहन के आए, सुबह 9 बजे आए, सुबह 9 10 बजे या 9:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा, आपको ये जानकारी देनी है। तो आप क्या किसी एक आदमी को लिखेंगे, नहीं आपको कार्यालय के सभी कार्मिकों के लिए लिखना है। तो ऐसे पत्र आपके धारा 3-3 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें आपको द्विभाषिक किया जाना अनिवार्य है, यानी कि आप इन्हें सिर्फ हिंदी और सिर्फ अंग्रेजी में नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें किसका उत्तरदायित्व तो है, मान लीजिए ये पत्र सिर्फ अंग्रेजी में निकल गए तो किस कौन जिम्मेदार है उसके लिए, वह जिम्मेदार है जिसने इन पत्रों पर साइन किया है यानी इन पत्रों पर हस्ताक्षर किया है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, कई बार होता है कि हम कार्यालय में नए हैं और ये जिम्मेदारी हमारे सर पे थोप दी जाती है जबकि हमने सिग्नेचर नहीं किया होता है। तो हिंदी में काम करें इसका ये हिंदी में काम करने का उत्तरदायित्व क्या है, वह सुनिश्चित करें कि पत्र दोनों में ही तैयार और जारी किया गया है जिसने उन पत्रों पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा आवेदन और अपील, आवेदन और अपील आप हिंदी और अंग्रेजी में कर सकते हैं। अच्छा नियम 8 पे बाद में बात करती हूँ क्योंकि नियम 8 के लिए पूरा एक विस्तृत विवरण है। नियम 9 है आपका हिंदी में प्रवीणता। अच्छा कार्यालयीन कार्यों में जब आप काम करेंगे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे सर, दो तरह के लोग, ऐसे लोग जो आपका तीन तरह के मूलतः, पहला जिनको हिंदी एकदम नहीं आती है वो एक तरह का हो गया, जिन्हें हिंदी नहीं आती उन्हें हिंदी प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। दूसरा क्या है, जो हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, कार्य साधक यानी वर्किंग नॉलेज है आपका, तो वर्क अगर आपको हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो यानी आपकी मैट्रिक और उससे समतुल्य, मैट्रिक परीक्षा से समतुल्य यानी मैट्रिक या उसकी इक्विवेलेंट कोई परीक्षा आपने हिंदी विषय के साथ, एक हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, या केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सरकार एक हिंदी शिक्षण योजना करके चलाती है, वो आपकी केंद्रीय सरकारी कार्यालय है, वह प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ 3 परीक्षाएं लेती है, तो उसकी फाइनल परीक्षा उसने उत्तीर्ण की है। और इसके अतिरिक्त तो अगर वो खुद घोषणा करता है, मान लीजिए उसने कहीं पढ़ा भी नहीं है, कोई परीक्षा भी नहीं दी है, मगर वो 25 साल से, वो हिंदी भाषी है मगर 25 साल से वो हिंदी भाषी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। तो उस अच्छी हिंदी को अगर वो घोषणा करे कि नहीं मुझे हिंदी में वर्किंग नॉलेज है यानी मैं हिंदी में काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छी हिंदी नहीं है, साहित्यिक हिंदी मुझे नहीं आती मगर मैं काम कर सकता हूँ, तो अगर वो घोषणा करे तो उसे आप हिंदी में वर्किंग नॉलेज दे सकते हैं। तो
तो वर्क, अगर आपके हिंदी में कार्य साधक ज्ञान है तो अगर आप हिंदी में छोटा मोटा काम काज कर सकते हैं तो वो आपकी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो जाता है। दूसरा है, तीसरा है आपका हिंदी में प्रवीणता। अगर आप हिंदी में प्रवीण है, प्रवीण यानी प्रोफिशियंट, आप बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, साहित्यिक स्तर की हिंदी जानते हैं, यानी मैट्रिक और उससे समतुल्य परीक्षा आपने हिंदी माध्यम से, हिंदी एज ए सब्जेक्ट नहीं, हिंदी विषय के रूप में नहीं, आपने हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है तो उसे आप प्रवीणता पे डालते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत अच्छी हिंदी है। या फिर इसके अलावा अगर आप घोषणा करते हैं, घोषणा का ऑप्शन हर जगह पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कार्मिकों को दो भागों में बांट सकते हैं, अगर वो हिंदी में कार्य साधक ज्ञान है या हिंदी में प्रवीण है। तो अगर तो 10-4 के अंतर्गत अगर आपने आपके विभाग के सभी कार्यालयों ने में सबने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया है तो आप उस कार्यालय को अधिसूचित कर सकते हैं कि वो अपना काम हिंदी में ही करें। नियम 11 के अंतर्गत आपकी जितनी भी सामग्री है, पत्र शीट, लेटर हेड्स है, साइन बोर्ड है, जो भी है आपका, आप यहाँ पे आप देखिएगा, आप अपने कहीं पे जाते हैं सरकारी कार्यालयों में, आप देखिएगा हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में त्रिभाषा में लिखा रहता है, वो किस नियम के अंतर्गत है? नियम 11 के अंतर्गत। अगर कोई सरकारी कार्यालय अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी में लिखा रहता है तो वो नियम 11 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहा है। या नोटिस बोर्ड है, सूचना पत्र है, पट है, आइडेंटिटी कार्ड है, या बिजनेस कार्ड है, कोई भी चीज है, पत्र शीर्ष है या एनवेलप है, जहां पे भी आप देखेंगे अगर वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है तो वो नियम 11 का अनुपालन कर रहा है। नियम 12 वही है कि आपका जो आपके कार्यालय का जो हेड है वही आपका, आपके कार्यालय का जो हेड है वही आप इसका उसका उत्तरदायित्व है कि आपके पूरे कार्यालय में अनुपालन हो रहा है कि नहीं, वह देखना जरूरी है। चलिए इसके बाद आते हैं टिप्पणियों पे। वस्तुतः मुझे पत्राचार पे बात करनी थी मगर पत्राचार काफी लंबा है इसलिए मैंने उसको थोड़ा बाद में रखा है, पहले टिप्पणी पर बात कर लेते हैं। टिप्पण लेखन आपका कार्यालय में बहुत ही मुख्य चीज है। अच्छा, कोई भी सवाल है तो आप जरूर लिख लीजिए, मैं उसका जवाब बाद में दूंगी, तो क्योंकि बाद में शायद आपको सवाल ना याद रहे, तो इसीलिए अगर कोई सवाल है आप चैट में लिख सकते हैं। अच्छा, टिप्पण लेखन, टिप्पण यानी नोटिंग, नोट इसका अर्थ यही है कि स्मरण रखने के लिए संक्षिप्त रूप से जो बात लिखी जाती है, कोई छोटी छोटी नोटिंग की जाती है। कार्यालय कार्यों में कई बार होता है कि आपको एक बात कही गई, आपको वो याद नहीं रही और बाद में अर्थ का अनर्थ हो गया, तो इसीलिए लोग छोटी छोटी टिप्पणियां वहां पे लिख के रखते हैं और वो बाद में बहुत काम आती है। तो स्मरण रखने के लिए छोटी छोटी बात संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, किसी भी विचाराधीन पत्रादि को सुविधापूर्वक निपटाने के लिए कुछ सुझाव लिखते हैं, जैसे कोई बड़े साहब के पास कुछ गया जो आपके बॉस है, उन्होंने एक छोटी सी बात लिख दी। मान लीजिए अगर मैं वाटर कूलर की बात कर रही थी कि कृपया हमें एक वाटर कूलर दिया जाए, गर्मी का महीना है और हमें असुविधा हो रही है, तो कृपया हमें वाटर कूलर देने की आपसे अनुरोध है कि हमें वाटर कूलर मुहैया करवाने की कृपा करें। आपने लिखा, उसमें आपके बॉस ने लिख दिया कि वर्तमान बजट में वाटर कूलर के लिए हमने बजट निर्धारण नहीं किया है, उसका पैसा नहीं है, तो हम अगले बजट में इसे सोच लिया जाएगा, या उसका, या फिर हम केंद्रीय कार्यालय या मुख्यालय से इस बारे में बात कर, मुख्यालय से इस बारे में चर्चा की गई है, तो वो कहाँ लिखेगा? वो उस जगह पे छोटा सा नोटिंग डाल देगा। तो इसे कहते हैं टिप्पण लेखन। हिंदी में टिप्पण लेखन के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को, और मतलब अलग अलग टिप्पण लिखे, और अंग्रेजी से अंग्रेजी को हतोत्साहित करें और हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। कई बार टिप्पण लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। किस तरह की टिप्पणी है? तो या फिर मान लीजिए आपने किसी अपने बॉस को लिखा कि हमें ये चाहिए, तो उन्होंने लिखा नोटेड, यानी उसे नोट कर लिया गया है, उन्होंने अपने खाते में दर्ज कर लिया है, समय समय आने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी छोटी छोटी टिप्पणियां। तो टिप्पणी को आकार और संरचना पर ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, नेमी और प्रशासनिक टिप्पण, स्वतः पूर्ण टिप्पण और आवती के आधार पर दिया गया टिप्पण। नेमी और प्रशासनिक टिप्पण आपका, एक मिनट, ये कट क्यों जा रहा है बार बार मेरे यहां से। हाँ, नेमी और प्रशासनिक टिप्पण,
तो नेमी और प्रशासनिक जो टिप्पण है आपकी, मान लीजिए आपने कोई चिट्ठी लिखा, उस पे आपका आपने अनुमोदन मांगा, तो आपके जो मतलब बॉस के पास गया, उन्होंने लिख दिया या तो अनुमोदित लिखा या स्वीकृत लिखा लिखा या कुछ लिखा, तो उन्हें नेमी टिप्पणी कहा गया है। यानी कि किसी भी कोई भी पत्र में छोटी छोटी टिप्पणियां जो अस्थाई होती है और कम महत्व वाली होती है, उन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और छोटी होती है साइज में, एक दो बात कही जाती है जिससे मतलब दैनिक कार्यों पर जिसपे काम हो, जैसे कि आपने लिखा और उसमें आपके बड़े साहब ने लिखा या आपके किसी कलीग ने लिखा, छोटी छोटी टिप्पणियां जो आपके दोनों के बीच में वार्तालाप कन्वर्सेशन के रूप में हो, या फिर फाइलों पे क्या क्या काम हुआ उसे नोट करने के लिए हो, तो उस तरह से जैसे आपने कोई एक चिट्ठी लिखा, आपने चिट्ठी लिखा वो आपके साहब तक गया, अब आप नहीं गए, वो चिट्ठी पियोन के हाथ से गया, साहब को वो चिट्ठी समझ में नहीं आई या फिर उन्होंने उस बारे में चर्चा करने की सोची, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा प्लीज डिस्कस या फिर कृपया चर्चा करें करके उन्होंने वापस कर दिया। वो जो छोटे से उन्होंने टिप्पणी लिखी वो बहुत ज्यादा औपचारिक नहीं होती, अनौपचारिक टिप्पणी होती है और बहुत ही संक्षिप्त होती है, तो उन्होंने कृपया चर्चा करें लिखा, आपने जाके उनसे उस बारे में चर्चा की, विचार विमर्श किया और बाद में उस पे लिखा इस विषय पर चर्चा की गई और ये कहा गया है, तो वो छोटी छोटी टिप्पणियां और उन्हें नेमी टिप्पणी कहा जाता है। अच्छा, इन्हें प्रशासनिक टिप्पणी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होती है। दूसरा होता है आवृत्ति आधारित टिप्पणी। आवृत्ति आधारित टिप्पणी आपकी आवृत्ति मतलब जिससे रिसिप्ट, हाँ आवृत्ति टिप्पणी जो होती है रिसिप्ट, मतलब मान लीजिए कोई चिट्ठी आई और मतलब आवती रिसिप्ट, दो तरह की टिप्पणी होती है, एक होता है आवती होता है, एक होता है प्रेषण होता है, आवती को पावती भी कई जगह पे कहते हैं, तो वो होती है आपकी जो चिट्ठी आ रही है उस पर क्या काम हो रहा है, तो उसे आवती आधारित टिप्पणी होती है, जो मतलब आपकी कोई चिट्ठी आई उसके जवाब में आपने क्या काम किया, उसके प्रत्युत्तर में आपने क्या काम किया, तो वो थोड़ी बड़ी होती है और उसपे जो काम होता है उसको पूरा डिटेल से लिखा जाता है, वो आपकी प्रशासनिक टिप्पणियों की तरह देखा जाएगा या फिर चर्चा करें या फिर अनुमोदित अस्वीकृत अभी बाद में कार्रवाई की जाएगी, जैसे एक एक लाइन की टिप्पणियां नहीं होती है, उस बारे में पूरा एक विवरण लिखा होता है और वो अधिकांशतः आवती का जवाब होता है। मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर की खरीद के लिए लिखा है और आपके कार्यालय में वो आया है, तो कंप्यूटर की खरीद में इस बजट में इतने कंप्यूटर खरीदे जा चुके हैं और आगे के कंप्यूटर खरीदे जाने इस बजट में संभव नहीं है, अगले बजट में इतने कंप्यूटरों को स्थान दिया जाएगा करके आपको सिग्नेचर के साथ आपने उस टिप्पणी को वापस किया, तो वो आपकी आवती आधारित टिप्पणी है, किसी आवती टिप्पणी का किसी रिसिप्ट का आपने जवाब दिया, ये आपका हो गया आवती आधारित टिप्पणी। तीसरा है स्वतः पूर्ण टिप्पणी, यानी कि जो टिप्पणी आपकी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे नेमी टिप्पणी आपकी उस चिट्ठी अनुमोदन पर डिपेंडेंट थी, आवती आधारित टिप्पणी आपकी आवती पर डिपेंडेंट थी, स्वतः पूर्ण टिप्पणी आपकी किसी पर आधारित नहीं है, वो पूरी तरह से आपके मतलब संदर्भ रहित होती है, एकदम फ्रेश टिप्पणी होती है। कई बार स्वतः पूर्ण टिप्पणी पर भी नेमी टिप्पण और आवती आधारित टिप्पण का प्रयोग होता है, तो स्वतः पूर्ण अपने आप में पूर्ण रहती है, मतलब उसकी शुरुआत आपने की होती है, तो उसे वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती, किसी का जवाब नहीं होता, वो पूरी तरह से आपने किया है। जैसे आप वही वाटर कूलर की बात करूं, तो अगर आपने वाटर कूलर मांगते हुए एक नोटिंग डाला है, एक नोट शीट डाला है, तो वो आपकी एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी है। हाँ, उसमें जवाब जो लिखा गया है, अगर वो जवाब बड़ा है और पूर्ण तरह से लिखा गया है तो वो आपकी आवती पर आधारित टिप्पणी है, और अगर छोटा सा इसे नोट कर लिया गया है या कृपया चर्चा करें या अनुमोदन हेतु प्रेषित, इतना ही, अनुमोदन हेतु अग्रेषित फॉरवर्डेड, तो इस टाइप की अगर टिप्पणी छोटी मोटी लिखी है तो वो आपका, आप कई बार देखिएगा आपके कॉलेज में भी सर होता होगा, आपने कोई लेटर डाला, आपने कोई लेटर लिखा, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपने लिखा, तो थ्रू प्रॉपर चैनल क्या हुआ, आपके टीचर से साइन हुआ, फिर एचओडी से साइन हुआ, फिर वो डीन तक गया मान लीजिए, तो आपका जो एचओडी से साइन होकर फॉरवर्डेड लिखा ना, वो आपका नेमी टिप्पणी है, मगर आपने अगर एक नोटशीट डाला है तो वो आपका स्वतः पूर्ण टिप्पणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सवाल आया है क्या?
पावती रिसिप्ट, हाँ रिसिप्ट की बात कर रही थी सर, आवती नहीं मतलब रिसिप्ट, वो थोड़ा सा पावती थोड़ी डिफरेंट चीज होती है। आवती है कि आपके यहाँ पे कौन सी चीज रिसीव हो रही है, और पावती है कि आपको कोई चिट्ठी मिली है उसकी जानकारी देना। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आवती है सर कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई चिट्ठी आई तो वो आपकी आवती चिट्ठी हुई, मगर पावती है कि दोनों के में रिसिप्ट ही यूज होता है एक्चुअली। पावती है कि मान लीजिए मैंने आपको चिट्ठी भेजा और मैंने लिखा पावती से पावती से सूचित करवाए मुझे, तो आपने लिखा हाँ आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई है, तो मतलब पावती है कि आपको को मेरी चिट्ठी रिसीव हुई उसकी जानकारी देना, वो पावती चिट्ठी होती है सर। नहीं मैम, आप मैंने बस इसलिए लिखा ना क्योंकि जब जैसा वर्धा में जब हम लोग थे तो हम लोग की यूनिवर्सिटी में एक पोस्टल था, पोस्टल का विभाग था एकेडमिक्स के अंदर ही, तो वहां पे ऐसे दो सेक्शन बने थे, एक आवत और हो सकता है मैं भी मराठी में वो आवत और जावत, और जावत के बाद फिर स्लैश देकर निर्गत, तो वहां पे आवत वो चिट्ठी वगैरह रिसीव करते थे और जावत या निर्गत जहाँ लिखा होता था वहां से डिस्पैच होता, हाँ, डिस्पैच तो मैं मतलब तो उसी की बात कर रही हूँ। हाँ। और एक तीसरा सेक्शन था वहां पर पावती, यानी कोई चीज आप जमा करें जो रिसिप्ट जो निकाल के देते थे, वो तो इसलिए दूसरी जी चीज है, वही जी पावती इसलिए है मैंने कि कोई, लिखा। हाँ पावती, हाँ मतलब दोनों में शब्द रिसिप्ट शब्द दोनों में यूज होता है। आवती को भी रिसिप्ट ही कहते हैं, मतलब हम लोग जैसे आवक पत्र और जावक पत्र, तो रिसीव्ड लेटर और डिस्पैच लेटर कहते हैं। और पावती जो है कि मतलब कोई चीज का जैसे वही रिसिप्ट, मतलब आप जो वो कह रहे हैं कि जानकारी देना, जैसे आपने कोई चीज जमा करी तो उन्होंने आपको पावती दे दी कि हमें ये मिल गया है, वो एक तरह से सूचना ही है जो आपको रिसिप्ट के रूप में मिल रही है। और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, अगर आपने आपको चिट्ठी लिख रहे लास्ट में कृपया इसकी पावती से हमें सूचित करें कि हाँ मुझे मिल गई है सर, मैंने इस चिट्ठी को पढ़ लिया है, तो वो पावती होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आवती मतलब जो चिट्ठी आ रही है, और जावक होता है आपका जो चिट्ठी जा रही है, तो पावती, हाँ तो दोनों में, मगर इंग्लिश में दोनों को ही रिसिप्ट कहा जाता है। एक का रिसीव्ड टाइप का एक शब्द है, मगर लोग घूम फिर के रिसिप्ट में ही आ जाते हैं, दोनों को ही एक ही शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्पण की विशेषताएं क्या है, मैंने इसी बारे में बात कर भी ली है, थोड़ा फिर भी बता देती हूँ। टिप्पण संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षेप में टिप्पण होनी चाहिए, टिप्पण ज्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए, उसमें लिटरेचर एकदम काम में नहीं है। टिप्पण में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाना, टिप्पण मैं और हम पर नहीं प्रयोग होती है, टिप्पण में वही कर्मवाच्य और अन्य पुरुष का प्रयोग, भाषा संयत हो और विवेचना तथ्यपूर्ण हो, टिप्पण में यथासंभव अनुच्छेदों का प्रयोग से बचा जाए। टिप्पण पॉइंट में अगर बुलेट में है तो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े जो अनुच्छेद है टिप्पण में नहीं उपयोग किए जाते हैं। टिप्पण में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होते हैं, कतई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होते हैं, मतलब वही है कि क्योंकि वो फॉर्मल टिप्पणी है तो उसमें व्यक्तिगत आक्षेप ना हो, भाषा सहज और स्पष्ट हो, और संदेह की स्थिति ना हो। अगर संदेह की स्थिति होगी तो आपके टिप्पण में जरूर से चर्चा करें लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आप जाके उसे समझाएंगे कि आपने लिखा क्या, और वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज होती है। लोग कोशिश करते हैं कि अगर आप जो टिप्पणी लिख रहे हैं वो इतनी क्लियर हो कि आपको चर्चा के लिए ना बुलाया जाए, अगर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है तो तभी बुलाया जाए जब आपके मतलब बॉस के मन में कोई शंका है, या फिर आपको उन्हें उनके मन में कोई बात है जो आपको कहना चाहते हैं। बाकी भाषा की जटिलता के लिए आपका टिप्पण चर्चा के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज हो जाती है कि आप इसका मतलब आप टिप्पणी अच्छे से नहीं लिखना जानते हैं। कार्यालयी कार्यों में सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपकी भाषा जितनी सहज होगी और जितना मतलब जटिलता से रहित होगी उतना अच्छा होगा। लोग कई बार जैसे मानते हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी जितनी क्लिष्ट होगी, जितनी सुसंस्कृत सार गर्भित होगी या परिनिश्चित होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे अच्छी इंप्रेशन बनती है, मगर कार्यालयीन कार्यों में उससे बहुत ही हतोत्साहित किया जाता है। आपकी बात जितनी स्पष्ट और जितनी सरल है उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। पत्राचार में आते हैं, पत्राचार कई तरह से होते हैं, तो पत्राचार में बात करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पत्रों के माध्यम से व्यक्ति और व्यक्ति तथा संस्था को संस्था से जोड़ने वाला एक प्रभावी माध्यम है। अच्छी भाषा और शैली को भावनाओं के शब्द संग्रह के रूप में प्रेषण ही पत्र है। अच्छी भाषा और शैली में पत्राचार, कार्यालयीन पत्राचार वो होना चाहिए जिसमें भाषा आपकी बहुत अच्छी हो, यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, मिश्रित भाषा का प्रयोग ना करें। व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्ति विशेष और समूह को प्रेषित किया जाता है, मतलब पत्राचार मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति को पत्र लिख सकती हूँ, एक समूह को लिख सकती हूँ, उस सिलसिले में पत्राचार का
प्रयोग होता है। कार्यालय पत्र के विविध प्रकार हैं, उसमें आपका शासनादेश है यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र, सर्कुलर, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, रिमाइंडर, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र जिसे सेमी या डेमी ऑफिशियल लेटर्स, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन मेमोरेंडम, आशासनिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, संकल्प या प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन, स्वीकृति या मंजूरी पत्र यानी सैंक्शन लेटर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक और सूचना, नोटिस, पावती यानी एक्नोलेजमेंट। सर पावती यहाँ पे आपका आ सकता है, एक्नोलेज यानी कि आप किसी किसी चीज को एक्नोलेज कर रहे हैं। तार या मितव्यय पत्र, इतने सारे पत्रों के विविध प्रकार जो कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग होते हैं। इसमें मुख्यतः शासनादेश का बहुत प्रयोग, शासनादेश का प्रयोग कार्य हर कार्यालय में प्रयोग नहीं होता है, शासनादेश ज्यादातर मिनिस्ट्री से निकलते हैं। कार्यालय आदेश का प्रयोग हर कार्यालय में होता है, परिपत्र बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, रिमाइंडर, डेमी ऑफिशियल जिसे डीओ लेटर कहा जाता है, नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम या इसके अलावा सूचना या प्रेस विज्ञप्ति या सैंक्शन लेटर, इतने सब का। पृष्ठांकन का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, एंडोर्समेंट है उनका, आपका प्रचार माध्यम का ही ज्यादा प्रयोग होता है। अनऑफिशियल लेटर का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, एक्नॉलेज, पावती का प्रयोग पहले होता था, आजकल मीडिया इसके मेल के जमाने में पावती का प्रयोग बहुत कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, शासनादेश किसे कहा जाता है, मतलब ऐसे जिसे सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों में दिया जाए उसे शासनादेश कहते हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर है ये हमेशा गवर्नमेंट से ही निकलते हैं, सरकारी ऑफिस से निकलते हैं यानी मिनिस्ट्री लेवल के ऑफिस से निकलते हैं, उसके नीचे के लेवल के ऑफिस को उस आदेश को जारी करने का नहीं दिया जाता है। इसमें हमेशा प्रथम पुरुष से ही लिखा जाता है इस शासनादेश का। ये देखिए एक आपका उदाहरण है, ये राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है, तो उन्होंने एक शासनादेश दिया है कि निम्नांकित प्रपत्रों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए। ये एक आदेश के रूप में है, मतलब ये आपसे किसी तरह का अनुरोध नहीं है, ये डायरेक्ट आदेश है कि इन इन चीजों में जैसे वेतन बिल, यात्रा बिल या आवेदन पत्रों में, टिप्पणियां और आदेश में, इन सब जगहों पर आपका अंग्रेजी में लिखे पत्रों में हस्ताक्षर हिंदी में किए जाए। तो ये एक तरह से, और आप देखिएगा इसमें किसी तरह की मतलब कम से कम शब्दों में, ज्यादातर हो सके तो वो बुलेट्स में यूज हुआ है। तो कार्यालयीन पत्र इसी तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपका पत्र संख्या होता है, पत्र संख्या अनिवार्य अंग है, बिना पत्र संख्या के कार्यालयीन किसी भी पत्र का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक आपका पत्र संख्या नहीं है। पत्र संख्या है, उसके नीचे आपका कार्यालय का नाम है, दिनांक है, प्रेषक है और कहाँ कहाँ जाएगा, और नीचे है प्रतिलिपि। एक ही पत्र कई लोगों को जाता है, वहां पे उसकी कॉपी दी जाती है, तो प्रतिलिपि, प्रतिलिपि किन किन को है, सचिव है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एक ही पत्र को अलग अलग जगहों पर अगर आप भेज रहे हैं तो मेन आपका जिसको भेजा जा रहा है और उसके बाद उसकी प्रतिलिपि, ये शासनादेश है। दूसरा है कार्यालय आदेश, कार्यालय में जो आदेश निकलता है, ये तो मिनिस्ट्री लेवल की बात हो गई। उसके नीचे अगर हम कार्यालय आदेश है, आपके यहाँ पे कोई कार्यालय आदेश है, कोई चीज आदेश के रूप में निकल रही है, तो इसमें आपका कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण या स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, ये सब चीजें आपकी ऑफिस ऑर्डर के रूप में आती है। किसी की नियुक्ति हो रही है, किसी का परमानेंट हो रहा है कोई आदमी, या कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सब कार्यालय आदेश के रूप में आता है। ट्रांसफर का एक और है, वो कई बार कभी कभार मेमोरेंडम के रूप में भी आता है, उस बारे में बाद में बात करते हैं। ये ज्यादातर अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जैसे देखिए भाषा विभाग के शिक्षा मंत्रालय का है, भाषा विभाग के अधोलिखित महानुभावों को इतना की वेतन श्रृंखला में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। और ये किन किन को कॉपी होती है, उन सभी लोगों को कॉपी होगी जो आपके जिनको पदोन्नति की गई, उनको सेपरेट एक एक कॉपी जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि उन्हें पदोन्नत किया गया और उन तक कॉपी पहुंची ही नहीं, तो इसीलिए निदेशक भाषा विभाग और जिन जिन का मतलब कौन कौन इसमें कॉपी हो रहे हैं, विवेक शर्मा, राम सिंह मीना और रामफूल बैरवा, ये तीन लोग आपके पदोन्नत हुए। इसके अलावा लेखा शाखा,
लेखा शाखा को क्यों? क्योंकि उनकी वेतन वृद्धि कराई जाएगी। तो जिन जिन विभागों को उससे डायरेक्ट काम पड़ेगा, जैसे लेखा शाखा को काम पड़ेगा, अकाउंट्स को काम पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर उनके विभाग को काम पड़ेगा तो उनके विभाग विभाग का दिया जाएगा। तो जो जिन जिन जगहों पर उनका उनकी पदोन्नति से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, उन उन जगहों को उन उन लोगों को इसे कॉपी किया जाता है। परिपत्र, परिपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पूरे हमें हर कार्यालय का। इसमें ये वो पत्र होते हैं जो किसी एक को ना करके समूह को निर्देशित किए जाते हैं। ऐसी चीजें, मान लीजिए वो ऑर्डर नहीं है मगर आपको लोगों को बताना है, ऑर्डर है तो उसको आपने कार्यालय आदेश में डाल दिया, मगर अगर आपको लोगों को बताना है, वही जैसे मैंने बताया कि आपकी 26 जनवरी होने वाली है, तो 26 जनवरी में सुबह 9 बजे ये होगा, तो वो एक परिपत्र सर्कुलर के रूप में जारी होता है। वो किसी को एक आदमी को उद्देश्य नहीं किया जाता है, मतलब किसी एक आदमी को किसको आप भेज रहे हो उसका नाम पता नहीं होता है। एक बार में लिख लिया जाता है कि वो किन किन को एड्रेस किया जा रहा है, जैसे फलाने कार्यालय के समस्त कार्मिक, तो उसमें सभी लोग आ गए। और ये ज्यादातर नोटिस बोर्ड्स में टंगाए जाते हैं सर्कुलर्स को, या सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट कैसे होता है, सबके टेबल पर जाता है और लोग उसपे पावती का सिग्नेचर करते हैं कि हाँ एक्नोलेज्ड इज ऑन दिस, तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे इसमें है कि मुख्यमंत्री ने जानना चाहा है कि कितनी अनुसूचित जाति और जनजातियों को इस वर्ष प्रवेश दिया गया है, तो ये उपयुक्त मंत्रालय को 15 दिन के भीतर आंकड़े भिजवा देने चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कौन कौन है प्रतिलिपि में, जिला अधिकारी है, समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, तो कोई एक आदमी नहीं है, विभिन्न अलग अलग विद्यालयों के प्राचार्य, तो सब प्राचार्य हैं, कुल सचिव है, शिक्षा अधिकारी है, जो उससे संबंध रखते हैं उन्हें, उनके लिए वो सर्कुलर जारी होता है। एक साथ एक बड़े ग्रुप को देने के लिए इन सर्कुलर्स का को जारी किया जाता है। इसमें आप देखिएगा, इसमें पत्र संख्या लिखा है मगर प्रेषक का नाम नहीं लिखा है, और दिनांक लिखा है, हस्ताक्षर लिखा है, और इससे ज्यादा प्रतिलिपि लिखी है, इससे ज्यादा और कोई विवरण उसमें नहीं रहता है। अनुस्मारक और स्मरण पत्र, जब कोई, आपने मान लीजिए कोई एक पत्र आपने भेजा, 1 मिनट, हाँ, कोई पत्र आपने भेजा, उसका रिप्लाई आपको बहुत दिनों तक आया नहीं, तो आपने क्या किया, उसको एक रिमाइंडर भेजा कि हमने इतनी तिथि को आपको ये पत्र भेजा है और कृपया इसका, हम आपको फिर से रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप इसका जवाब हमको दे। इस पत्र को स्थिति के अनुसार नम्र और थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जाता है। नम्र, अगर आपका मान लीजिए कोई जानकारी है, आपको इमरजेंसी चाहिए, अर्जेंसी है, या सेंसिटिव मामला है, तब उसकी भाषा थोड़ी कड़ी हो जाती कि आपको ये, मतलब उसका दिया जाना अब तक तो मिल जाना चाहिए था मगर आया क्यों नहीं। और अगर आपकी मान लीजिए नॉन सेंसिटिव कोई चीज है, आप एक जनरल रिमाइंडर भेज रहे हैं, तब क्या होगा, आपकी भाषा, आपकी पत्र की भाषा थोड़ी नम्र रहेगी। मान लीजिए आप चौथा या पांचवा रिमाइंडर भेज रहे हैं, तब आपकी भाषा थोड़ी कड़ी हो जाती है। तो अच्छा, इस रिमाइंडर में सबसे ज्यादा, अनुस्मारक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अनुस्मारकों में पिछले पत्रों की संख्या का उल्लेख होता है। ये कौन सी संख्या है, ये वही संख्या है जो आपकी पहले परिपत्र, जो ऊपर एक संख्या लिखी आ रही थी, जो पत्र संख्या है आपकी, तो रिमाइंडर में संदर्भ में उस पत्र का संख्या दिया जाना चाहिए। अगर आपने 3-4 रिमाइंडर भेजा है तो आप संख्याओं को उस तरह से क्रमशः लिखते जाए, उसमें भी आपको क्रमानुसार लिखना है, श्रृंखला नहीं तोड़नी है, तो पहले पत्रों की संख्या का उल्लेख करना जरूरी है। इसके अलावा आता है अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर कभी भी छोटे से बड़े में नहीं लिखा जाता, मगर मान लीजिए आपका, आप छोटे स्तर के छोटे पद के कर्मचारी हैं मगर आपने बड़े पद को लिखा, तो आप डेमी ऑफिशियल नहीं लिख सकते। डेमी ऑफिशियल पूरी तरह से फॉर्मल नहीं होता है, अर्धशासकीय पद थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का होता है, तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई जानकारी जानना चाहता है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर कुछ जानना चाहता है, तो इसमें डेमी ऑफिशियल पत्र लिखा जाता है। इसमें प्रिय, श्रीयुत, श्री, प्रिय श्री, इनका प्रयोग होता है, मगर हाँ महिलाओं के लिए कभी भी प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं होता है इन संबोधन में। इसमें
आपका जो अधिकार जो नाम लिख रहा है नीचे पत्र भेजने वाला, जब मान लीजिए आपका कोई दूसरा चिट्ठी था, ऑफिशियल चिट्ठी है, उसमें क्या होता है, जैसे मैं आगे लिखूं तो तुलिका विश्वास सहायक प्रबंधक राजभाषा अधिकारी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, अगर मैं डेमी ऑफिशियल लेटर लिखूं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि सामने जो पत्र पढ़ रहा है वो मेरी जान पहचान का आदमी है, तभी तो मैं उसे व्यक्तिगत स्तर पर चिट्ठी लिख पा रही हूँ, तो मैं उसमें सिर्फ तुलिका विश्वास लिखूंगी, उसमें अपने पूरे पद का परिचय देना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत माध्यम से मगर वो सरकारी पत्र है, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत पत्र नहीं है, तो इसीलिए उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन, जो भारत के राजपत्र यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट पे जो प्रकाशित सूचना है उसे अधिसूचना कहा जाता है। इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, इसमें नियुक्ति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण भी आते हैं, मगर ये सब ज्यादातर बड़े पदों के लिए होते हैं, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर, या एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर, या आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस, उन जगहों पर अगर आप नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण हो रहा है तो इनका ये आपके नोटिफाई किए जाते हैं। इसमें अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है क्योंकि ये नोटिफिकेशन है, तो इसे महोदय जैसे संबोधन नहीं होता है, भवदीय, आपका, विश्वास पात्र, ये सब संबोधन उसमें नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे एक आपका उदाहरण है कि राजबली उपाध्याय आईएएस को, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में है, कृषि मंत्रालय के अवर सचिव के रूप में, अवर सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में आपका उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है, प्रतिनियुक्त यानी डेप्यूट किया गया है। तो इसमें देखिए हस्ताक्षर है सचिव भारत सरकार, आपका भवदीय कुछ नहीं है, और इनमें ज्यादातर वही है कि अगर कोई प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति या स्थानांतरण हाई लेवल के, कोई अगर सिविल सर्विसेज के लेवल के अगर है तो उनका उनका आपका भारत के राजपत्र में निकलता है। कार्यालय के अंदर के जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो होते हैं वो ज्यादातर आपके कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन में आपका महोदय, प्रिय महोदय जैसे संबोधन नहीं किए जाते हैं। साउंड क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, किन्हीं का माइक ऑन रह गया है क्या? अच्छा, सुना जी का माइक ऑन रह गया था इसलिए। कंटिन्यू करिए मैडम। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा वो चला गया। हाँ, तो कार्यालय ज्ञापन में प्रिय महोदय जैसे नहीं लिखे जाते हैं, और इसमें विषय लिखा जाता है और अधो हस्ताक्षरी को निर्देश हुआ है। मतलब मान लीजिए कोई मेरे बॉस ने मेरे को कहा है कि कोई ये इस बारे में मेमोरेंडम लिख दो, तो इसमें अधो हस्ताक्षरी को निर्देश हुआ है कि इसमें ये काम करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अधो हस्ताक्षरी को राजभाषा इतने इतने के की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है कि उनके पालन के प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। राज्य सरकार के विभागों को पुनः निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में संपूर्ण पत्राचार राजभाषा हिंदी में ही किया जाए। तो मेमोरेंडम ऑफिस ऑर्डर का ही एक छोटा पार्ट है, मगर ऑफिस ऑर्डर थोड़ा ज्यादा गंभीर होता है, मेमोरेंडम ज्यादा गंभीर नहीं होता है, और मेमोरेंडम का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कार्यालय आदेशों का प्रयोग कम होता है, और आदेशों का प्रयोग ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जो महत्वपूर्ण बातें होती है। मेमोरेंडम छोटी छोटी बातों के लिए लिखा जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन के लिए बोलिए, उसके बाद ज्ञापन है। ज्ञापन में और कार्यालय ज्ञापन में एक ही अंतर है कि ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच में होता है कार्यालय ज्ञापन का, और ज्ञापन का प्रयोग मंत्रालय और विभाग के अंदर की बात अगर हो तो। मान लीजिए अगर मतलब दो अलग मंत्रालय है, जैसे मान लीजिए आपका गृह मंत्रालय है और आपका दूसरा है वित्त मंत्रालय है, तो दो मंत्रालयों के बीच में अगर मेमोरेंडम का प्रयोग होगा तो वो कार्यालय ज्ञापन होगा, मगर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बैंक आता है और बैंक ने अपने इंटरनल सर्कल में अगर कोई मेमोरेंडम का प्रयोग हुआ तो वो कार्यालय ज्ञापन नहीं होगा, वो आपका मेमोरेंडम माना जाता है। अशासनिक पत्र, नॉन ऑफिशियल लेटर,
वो अनौपचारिक निर्देश देने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज की स्पष्टीकरण मांगी गई है, या फिर किसी चीज को की टिप्पणी टिप्पणी लिख के भेजी गई है, तो इस तरह से अशासनिक पत्रों का प्रयोग होता है। संबंधित फाइल पर भी कई बार टिप्पणी का प्रयोग हो जाता है, किया जाता है, तो उसे नॉन ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ज्यादातर चिट्ठी अगर लिखी जा रही है तो वो ऑफिशियल लिखी जाती है, वरना उसे टिप्पणी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। पृष्ठांकन है, मूल पत्र और उसकी प्रतिलिपि जिन अन्य भागों को भेजी जाती है उसे पृष्ठांकन कहते हैं। यानी पृष्ठांकन में जैसे मान लीजिए, पीछे एक पत्र ले लेती हूँ जी, ये मैंने लिखा यहाँ पे, जब मैंने प्रतिलिपि लिखा स्थापना शाखा, या फिर मान लीजिए कोषाधिकारी, इस तरह से अगर लिखा स्थापना शाखा, स्थापना शाखा का क्या काम है कि उनकी सैलरी वगैरह मान लीजिए उन्होंने ठीक ठाक करे, या फिर उनके उनकी जो सर्विस फाइल है उसको मेंटेन करे, तो यहाँ पे डैश करके उसमें पृष्ठांकन, उनको काम क्या दिया गया है। तो कई बार होता है अनुमोदनार्थ, या फिर काम क्या दिया गया है मान लीजिए सिर्फ अवलोकन के लिए, सो उनको सिर्फ पढ़ के उसको फाइल करना है, या फाइल करने के लिए, या सादर सूचनार्थ, ऐसी चीजों को स्थापना शाखा डैश सादर सूचनार्थ। स्थापना शाखा दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, स्थापना शाखा डैश सादर सूचनार्थ, तो उनको बस सूचना प्राप्त करनी है, उसपे कोई काम नहीं करना है। कई बार हमें जैसे मान लीजिए फाइनेंस फाइनेंस विभाग को लिखा कि फलाने आदमी ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो फाइनेंस को उनकी वेतन संबंधी कार्रवाइयां पूरी करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको पृष्ठांकित किया जाता है। कई बार शीघ्र उत्तर देने के लिए, या फिर शीघ्र अनुपालनार्थ, आवश्यक कार्रवाई हेतु, रिकॉर्ड करने के लिए, इस तरह की चीजें आपका पृष्ठांकन में आता है। संकल्प या संस्ताव, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग रेगुलर कार्यालयों में नहीं होता है, ये गैजेट में ही प्रकाशित किया जाता है। इसमें सरकारी निर्णय की कोई घोषणा आती है, या फिर कोई जांच समिति की, कोई कई बार जांच समितियां बैठती है, आयोग बैठता है, उनकी जो उनका जो ये बैठना होता है, आपका फाइनल फाइंडिंग्स होती है, जो रिपोर्ट जारी होता है, वो आपका संकल्प या संस्ताव माना जाता है। स्वीकृति या सैंक्शन लेटर, स्वीकृति या मंजूरी पत्र होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। इसमें कई बार नए पद सृजन के लिए सैंक्शन लेटर माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉलेज शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक पत्र की स्वीकृति, तो इसको आप दे सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति आपने कई बार देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप न्यूज़पेपर खोलिए, आपको बहुत ज्यादा प्रेस विज्ञप्ति दिखेगा। इसमें ऐसी ऐसी चीजें जो आपकी मिनिस्ट्री या कार्यालय, सरकारी कार्यालयों से निकल रही है, उसमें क्या है कि प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस को जाने वाली सूचना, ऐसी सूचना जो प्रेस में दी जाने की जरूरत है, जिसको आम जनता तक पहुंचने की जरूरत है, उसमें कोई संवेदन नहीं होता, कोई संबोधन नहीं होता है, टॉपिक होता है, और आपका उसे प्रेस के लिए प्रेषित किया जाता है, बस इतना। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत और चीन के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद का समझौता हो चुका है ये 2012 की है, अभी तो शायद इसमें ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, शायद मेरी बहुत आशा है कि कुछ समय बाद इस तरह का एक प्रेस विज्ञप्ति हम भी देख ले कि भारत और चीन के बीच वर्षों से आ रहे सीमा विवाद का समझौता हो गया है, समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया है और सीमा का मान्य समाधान स्वीकार कर लिया गया है। सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार को प्रकाशनार्थ प्रेषित। इस ये जब आपका न्यूज़पेपर में छपेगा, ये एज इट इज छपेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है, क्योंकि ये सब ज्यादातर सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। इसके अलावा नोटिस निकलता है, नोटिस आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए टेंडर निकल रहा है या कुछ भी नोटिस निकल रही है, तो वो नोटिस के जो नोटिस बोर्ड में लगाई जा सकती है उसे नोटिस कहा जाता है। ये प्रेस विज्ञप्ति की भांति समाचार पत्रों में भी निकलती है, मगर इसमें काट छाट करने की सुविधाएं होती है। प्रेस विज्ञप्तियों ज्यादातर जैसे ऐसे प्रेस विज्ञप्तियां लिखते हैं तो इसके पीछे वाटर मार्क से प्रेस रिलीज लिखा जाता है, जिससे कि उसे चेंज करने की सुविधा ना दी जाए, और उसे आजकल प्रेस विज्ञप्तियां ज्यादातर वर्ड में नहीं दी जाती है, पीडीएफ बना के दिया जाता है, जिससे उसमें चेंज करने की सुविधाएं ना हो। पावती है, एक्नॉलेजमेंट, कोई चिट्ठी आपको मिली है तो उसकी पावती की, जैसे आप कोई बड़ा कार्यालय है, आपने वहां पे चिट्ठी जमा की, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड देते हैं। कई बार चिट्ठी के रूप में जाती है कि आपका फलाना पत्र प्राप्त हुआ
और इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह से पावती दी जाती है, उसे एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रिय महोदय आपका दिनांक इतना का पत्र मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो गया है, आप निश्चिंत रहे उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा तार, जो आजकल ये तत्काल कार्रवाई के लिए पहले किए जाते थे मगर इसका अब ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, तो तार का आजकल मेल के जमाने में तार का प्रयोग बहुत कम हो गया है। तो आवश्यक और इन अर्जेंट और इमीडिएट लिखे जाने वाले पहले तार लिखे जाते थे। ये हमारे पत्राचार है। इसके अलावा टिप्पण हो गया, पत्राचार हुआ, आलेखन। आलेखन यानी ड्राफ्टिंग, कई बार चिट्ठियों की ड्राफ्टिंग की जाती है। कुछ चिट्ठियां एक ही चिट्ठी को रिपीटेशन पे चलता है, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में चाय की बिल आती है, तो चाय का बिल का जो भुगतान करने के लिए जो चिट्ठियां निकलती है, नोटिंग निकलता है, उसकी ड्राफ्ट तैयार कर ली जाती है। उसमें सिर्फ तारीख और कितने कितना पैसा है वो चेंज करने के बाद उस ड्राफ्ट को यूज किया जाता है, तो वो ड्राफ्टिंग आता है, उसे प्रारूपण और आलेखन कहा जाता है। तो इसकी एक निश्चित विधि होती है और इसे फॉर्म के रूप में चलाया जाता है, और इसका मतलब इसको एक मसौदा भी कहते हैं इसको कई जगह पे। तो मसौदा तैयार किया जाता है, इसका एक रूपरेखा तैयार किया जाता है और उसे आप उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि किस बारे में काम किया जा रहा है। यह आपका आलेखन। तीसरा है आपका संक्षेपण। संक्षेपण होता है, कोई मान लीजिए कोई भी आपका आपकी कोई बड़ी रिपोर्ट है, करीब 5-6 पेज की रिपोर्ट है, उसको आपको संक्षिप्त किया जाएगा। आपने ये काम अपने ग्रेजुएशन या किसी लेवल पर भी किया होगा, स्कूल लेवल पर भी कई बार समराइज करने के लिए बोला जाता है। उसमें ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी जाती है। कार्यालयीन कार्यों में इसका बहुत प्रयोग होता है। बड़े बड़े नोट्स का, बड़े बड़े एक पूरा बुकलेट छपा है, अगर मान लीजिए किसी कोई रिपोर्ट है, उसका 2 पेज का या 1 पेज का संक्षेपण निकलता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और हो सके तो उसमें बुलेट या टेबल आकार में, मतलब तालिकाबद्ध के रूप में उसका प्रयोग होता है। उसमें मूल कही गई बातों का सार दिया जाता है। संक्षेपण की एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि ये आकार का 1/3 होता है, यानी जितना, अगर आप मान लीजिए आपका 9 पेज का रिपोर्ट है तो आपका 3 पेज का संक्षेपण होगा उसी तरह से। अच्छा, इसमें उदाहरणों या लोकोक्तियों, मुहावरों, इनका अनावश्यक प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल मुख्य बात और कम से कम भाषा में कही जाती है। तो इसमें इसको आगे बढ़ती हूँ। तो कार्यालयीन कार्यों में मूलतः इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका कोई आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर बताइए। जी मैम, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप उनके जो मन में जो भी इस व्याख्यान से संबंधित जो भी प्रश्न या अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो जरूर बताइए। जी जी, तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रश्न रखे। विद्यार्थियों का तो मुझे नहीं पता, पर जो हमारे आज के जो टेक्निकल सपोर्टर राधाकांत सुना सर, वो हमारे कुल सचिव सर के सचिव ही हैं, तो सर को अच्छा, बहुत हेल्प मिला होगा या सर बहुत सर काफी रिलेट कर पाए होंगे। हाँ, बहुत सारी चीजों से वाकिफ भी होंगे क्योंकि ऑफिस वगैरह जो कुल सचिव यही देखते हैं पूरा। जी, ये सब काम करते करते ही आता है, हमें तो अब किसी ने सिखाया नहीं, आज आज लोग इसको पढ़ रहे हैं, काफी सौभाग्य की बात है। मान लीजिए हम तो नौकरी में घुसे और हमें पता नहीं मतलब कैसे क्या होता है, हमने यहीं पे सीखा और ऊपर से इतने व्यवस्थित रूप से सीखना नहीं हुआ, हमें सिखाया गया मेमोरेंडम क्या है, अगर कुछ गलती की हो तो सजा, गलती की हो तो सजा के रूप में मेमोरेंडम आता है तो लोग पहले मेमोरेंडम देख के डर जाते थे। पृष्ठांकन के ऊपर चर्चा करो, ठीक है कर, और कोई ना आप चर्चा कीजिए। मैं विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आपके जो कुछ भी प्रश्न हो, जो द्वंद हो, कुछ भी कहना चाहें इस व्याख्यान से संबंधित, तो झिझक इस चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख करके कह सकते हैं। लिखने में भी कोई दिक्कत हो रही हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके कुछ प्रश्न रख सकते हैं, तो कृपया लगातार कुछ कमी भी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि कोई अगर कोई टॉपिक पर चर्चा नहीं हुई है तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं उस बारे में, कई बार कई चीजें छूट जाती हैं क्योंकि बहुत व्यवस्थित ढंग से अभी भी इस बारे में ज्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है। वो तो आपके यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छा है तो इसीलिए बहुत व्यवस्थित ढंग से इनको मतलब कलेक्शन करने में भी बहुत समय लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा व्यवस्थित ढंग से अभी तक नहीं है। कार्यालयीन हिंदी नेग्लेक्टेड एक टॉपिक रहा है अब तक, अब जाके उस पर बहुत काम हो रहे हैं। एक तरह पहले नहीं होते थे तो काफी समस्याएं इस पे आ जाती है, लोग ज्यादातर इसी तरह सीखते हैं। चलिए पृष्ठांकन पर बात करती हूँ। पृष्ठांकन यानी मान ली इसमें देखिए आपका मान लीजिए कोई चिट्ठी है, मैं कोई चिट्ठी निकालती हूँ, उसमें मैं अच्छे से बता पाऊंगी। ये निकालती हूँ। हाँ, इसमें पृष्ठांकन क्या है, जो आपने कोई चिट्ठी लिखा, मान लीजिए यहाँ पे कौन सी चिट्ठी, आपकी भाषा विभाग के अधोलिखित महानुभावों को अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति यानी प्रमोशन की चिट्ठी है, तो इसमें क्या है, प्रतिलिपि आपने भेजी, किन किन को भेजी, निदेशक को भेजी, विवेक शर्मा को भेजी, राम सिंह मीना को भेजी, और लेखा शाखा को भेजी, और संस्थापन शाखा को भेजी। तो अब जाहिर सी बात है कि लेखा शाखा को आपने जिस काम से भेजी, आपने निदेशक को उस काम से नहीं भेजी। लेखा मतलब अकाउंट्स, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने जिस काम से भेजी उनको क्यों भेजा, जिससे कि उनकी सैलरी तय कर दी जाए, मगर निदेशक को आपने क्यों भेजा, आपके जब डायरेक्टर लेवल को आप क्यों भेज रहे हैं, आप उनको क्या भेजे, उनकी बस जानकारी में आ जाए यानी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भेजे, वो बस नोट कर ले कि अच्छा इस ये आदमी अनुभाग अधिकारी के रूप में अब काम करेगा। तो ऐसे में इस प्रतिलिपि के साथ डैश करके पृष्ठांकन कई बार नोट किया जाता है, जैसे अगर निदेशक है तो डैश करके लिखाएगा सादर सादर ये 1 मिनट, हाँ डैश करके लिखाएगा आपका ये सादर सूचनार्थ, सादर सूचनार्थ लिखाएगा। निदेशक निदेशक लेवल के साहब क्या करेंगे, उनको वो बस सूचना अपनी जानकारी में रखेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, तो सादर सूचनार्थ या आपने निदेशक को लिखा। विवेक सिंह राम विवेक शर्मा राम सिंह मीणा और राम बुलवेरा, इनको क्या काम करना है, इनकी पदोन्नति हुई है तो उपर्युक्त पत्र के हिसाब उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करें, अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इन इनको तो इन तीनों का एक साथ आप कलेक्शन करके डैश के रूप में उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिर तीसरा आएगा, इनका पृष्ठांकन अलग हो गया, तीसरे का पृष्ठांकन है लेखा शाखा यानी आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या करेगा, उनकी सैलरी तय करेगा। तो उपर्युक्त महानुभावों के वेतन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, ये हो गया। चौथा है संस्थापन, संस्थापन क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में उनके सर्विस रिकॉर्ड में रखेगा, हर किसी का एक सर्विस रिकॉर्ड बना रहता है, उसमें क्या रहता है कि वो कहाँ पे पोस्टेड हुए, कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, अगर उन्होंने कोई उनके ऊपर कंप्लेन हुई तो कंप्लेन का भी पूरा ब्यौरा लिखा रहता है। तो संस्थापन शाखा रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु, तो इस तरह से आपका ये पूरा मतलब सबके सामने डैश डैश करके किसको क्या काम करना है उसका पृष्ठांकन दिया रहता है। ये ज्यादातर कार्यालयों में भी दिया रहता है, कई बार नहीं भी दिया रहता है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि अगर आपको भेजा गया है आपको पता है उसमें क्या काम करना है, तो कई बार नहीं भी दिया रहता है। तो पृष्ठांकन आजकल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मगर फिर भी जैसे इसी में मूल पत्र या प्रतिलिपि सूचनार्थ या फिर आवश्यक कार्रवाई हेतु शीघ्र अनुपालनार्थ या रिकॉर्ड के लिए या शीघ्र उत्तर देने के लिए, उसके नाम लिखेंगे प्रतिलिपि में, नाम लिखेंगे डैश लिख के उसके ऊपर लिखेंगे, या फिर अगर मान लीजिए किसी का उत्तर लिख रहे हैं आप तो आपने वो उधर मेंशन कर दिया, उन फलाने को उनके पत्रांक पत्रांक इतना दिनांक इतना के उत्तर में प्रेषित है। तो इस तरह से पृष्ठांक लिखा रहता है। और कोई तकलीफ है? अरे कहाँ गया, जी मैम, प्रश्न परिपत्र क्या है, कुछ उसका हाँ परिपत्र क्या है और उसका प्रारूप क्या होता है। परिपत्र मूलतः उसी के लिए, परिपत्र को सर आप इस तरह से समझे, नहीं मैडम
क्या? नहीं मैडम। अच्छा सुनीता मैडम अपनी बात थोड़ा सा मेरे को, अच्छा समझ गई बोल रहे। अच्छा, ठीक है। परिपत्र को आप इस तरह से समझे सर कि एक पत्र होता है, जो मान लीजिए मैंने आपको लिखा, मैंने असित पानीग्रही सर को लिखा, तो मैंने लिखा, उन्होंने प्राप्त किया, मेरा पत्र किसी तीसरे तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। परिपत्र क्या होता है सर कि मैंने लिखा, मगर मान लीजिए ओडिशा मुक्त विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को लिखा, तो मान लीजिए संडे को रविवार को आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो आप तो फल ये कार्यक्रम इतने बजे किया जा रहा है, तो वो नोटिस में चला गया, ठीक है, मगर उस कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना या फिर कार्यक्रम में ये चीजें लेकर आए या उसका उसका फॉर्म फिलअप करके जल्दी हमको भेजे, तो कई बार उसको सूचना के जगह पे उसे परिपत्र के रूप में भेज दिया जाता है। मतलब उसके एक आदमी ने लिखा और एक समूह को लिखा, एक समूह को जानकारी देने के लिए लिखा। कई बार होता है कि परिपत्र इसमें लिखा जो नोटिस नहीं होती, मान लीजिए सूचना के रूप में नहीं, मान लीजिए आपके यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, रविवार को कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें फॉर्म आप सबके हाथ में फॉर्म दे दिया गया है, फॉर्म को इतने तारीख तक सबमिट करें, तो कृपया सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्यक्रम का फॉर्म फॉर्म दिनांक 10/6/2020 को शाम के 4 बजे से पहले कार्यालय में सबमिट कर दे। तो ये जब आपने लिखा, तो आपने किसी एक व्यक्ति को नहीं लिखा, आपने एक समूह को लिखा, तो उस समूह को जो और उस समूह को जो आपने एड्रेस करके लिखा, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र का प्रारूप आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आपका परिपत्र है। इस बारे में मैंने बात की थी कि मान लीजिए मुख्यमंत्री ने जानना चाहा है कि कितने अनुसूचित जाति और जनजातियों की छात्राएं पढ़ रही हैं और उनकी वृद्धि का प्रतिशत क्या है, उपर्युक्त मंत्रालय को 15 दिन के भीतर आंकड़े भिजवा भिजवा देने चाहिए। ये किनके लिए है? समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुल सचिव, जिला अधिकारी। 1 मिनट। तो कुल सचिव, जिला अधिकारी या शिक्षा अधिकारी, सबको एड्रेस किया हुआ है, तो ये परिपत्र के रूप में है। ये पत्र का ही एक विस्तृत भाग है। पत्र एक व्यक्ति को लिखा जाता है, और जब आप जब एक पत्र एक बड़ी जनसंख्या को लिख रहे हैं, क्योंकि पत्र में आप क्या करते हैं, एक आदमी को प्रति लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोगों को आप प्रतिलिपि कॉपी दे सकते हैं, उससे ज्यादा क्या देंगे। मगर अगर आपको 50-60 लोगों को लिखना है, या आपको पता भी नहीं है कि कितने लोगों को लिखना है, जैसे समस्त विद्यालयों के प्राचार्य, अभी आपको कितने महाविद्यालय कितने प्राचार्य हैं, उतने लोगों को पत्र में नोट डिनोट करना मुश्किल है, तब वहां पे सर्कुलर यूज होता है और वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो परिपत्र और कुछ नहीं है, वो पत्र का ही एक वृहत रूप है। पत्र एक या 5-6-7-8 लोगों को प्रेषित होता है, मगर परिपत्र एक बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है। जब परिपत्र में सूचना देनी है, कोई जानकारी देनी होती है, तो वही परिपत्र सूचना सूचना या नोटिस के रूप में जारी होता है। मगर जब आप सूचना नहीं, एक पत्र मांगते हैं, पत्र कोई जवाब मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं या फिर कोई चिट्ठी ही दे रहे हैं, तो आप उसे परिपत्र के रूप में दे सकते हैं। सुनीता मैडम लिखिए, बहुत ही उपयोगी और जन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असित पानीग्रही जी, धन्यवाद सर, आपने अपना नाम हिंदी में लिखा है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये हिंदी में ज्यादातर मिलता नहीं है सर, लोग अंग्रेजी में अपना नाम लिखते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें, आप सभी से मैं जरूर अनुरोध करूंगी कि इसको जरूर अपने मतलब अपने रेगुलर के काम में हिंदी को अपनाएं, क्योंकि हम हिंदी को अपने पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रखते हैं और ऐसे छोटी छोटी चीजें हम हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो उससे काम नहीं होता है। दूसरा क्या लिखा है मैडम ने? पल्लवन। पल्लवन मैडम संक्षेपण का ऑपोजिट कहते हैं, संक्षेपण का जो विपरीत अर्थ है उसे पल्लवन कहा जाता है। संक्षेपण मतलब समराइज और पल्लवन मतलब एक्सपेंशन।
कोई एक वाक्य है उसका जब आप विस्तार करते हैं, जैसे इसमें ज्यादातर उसके लिए सूक्त वाक्य, सूत्र वाक्य या उक्ति, किसी की उक्ति है तो उसमें उसका जब आप विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहा जाता है। या कोई मान लीजिए कोई एक सूक्ति है, जैसे कोई एक अच्छा सूक्ति भी मिले, जैसे मान लीजिए स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये जब आप कहते हैं तब या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भारी, पर पीरा सब नहीं अधमय, उसका पल्लवन करने कहा जाता है। अपने तर्क के, अपना तर्क देके, अपनी बात रख के जब आप उसका पूरा व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे एक्सप्लेनेशन को पल्लवन कहा जाता है। तो पल्लवन एक तरह से संक्षेपण का ऑपोजिट है, जब आप एक सूक्त को उसका उसका विस्तार करते हैं, नहीं व्याख्या करते हैं। जी सर, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो किसी ने गलती से नहीं, उपासना देव जी अच्छा को माइक अच्छा अनम्यूट किया था। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। तो पल्लवन कार्यालयी कामों में कम ही प्रयोग होता है, बहुत ही कम प्रयोग होता है, ज्यादातर संक्षेपण का ही प्रयोग होता है। पल्लवन का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि कार्यालयीन कार्यों में कोट अनकोट उक्तियों का प्रयोग ही ज्यादा होता है। तो पल्लवन तो उसी को कहा जाता है। इस पल्लवन की विशेषताएं हैं कि आप क्या कहते हैं, पल्लवन में आप अपनी मतलब मन की बात रखनी चाहिए, और जो मन की बात अगर रख भी रहे हैं, अच्छा हाँ, पल्लवन की विशेषताएं कह रहे, तो पल्लवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आपकी जो बात है, जो जिस सूक्ति या जिस उक्ति को पकड़कर आपने उसका एक्सप्लेन किया है, आप उस विषय से भटकना नहीं चाहिए, आपकी बात स्पष्ट हो और उस विषय से आप भटके नहीं। मतलब आपको वहां पे अपनी बात पूरी तरह रखने की आजादी नहीं होती, आपके तर्क जितने भी होंगे या आपका व्याख्या होगा वो आपके, जैसे मान लीजिए मतलब आपके उक्ति से हटके नहीं होनी चाहिए। जैसे आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसमें आप तुलसीदास या उससे आसपास की उक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उससे उसके अनुरूप व्याख्या कर सकते हैं, मगर इसमें आप दूसरे किसी बात को नहीं रख सकते हैं, अपने मन की बात उसमें नहीं रख सकते हैं। आपका जो आपका पल्लवन है वो आपके उक्ति से संबंधित होना चाहिए, संबंधित से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण आप अलग अलग दे सकते हैं, मगर उदाहरण में भी प्रमुख शर्त यही है कि वो उक्ति से संबंधित हो, आप कुछ भी उदाहरण वहां पे नहीं लिख सकते हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए, अप्रासंगिक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, और उसमें आलोचना क्या कहते हैं, आलोचना नहीं की उसकी व्याख्या करिए, आलोचना उसमें नकारात्मक आलोचना नहीं होनी चाहिए। पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में ज्यादातर होती है, और हाँ उसे हाँ एक और है, उसे समाज शैली में आप ना लिखें, व्यास उसे फैला कर जितना व्याख्यात्मक रूप से आप लिख सकते हैं उसे लिखा जा सकता है, उसे पल्लवन कहा जाता है। और कोई, और ये मैम कार्यालयीन पल्लव कार्यों में, हाँ जी, जी, नहीं नहीं आपके ये फेमस है। कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता नहीं है। कई बार होता है कि किसी उक्ति का डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है, मगर उसमें भी ज्यादातर कहीं से कोट अनकोट करके ही लिखा जाता है। पल्लवन का प्रयोग आलोचनात्मक टीका टिप्पणियों में ज्यादा कार्य होता है, कार्यालयीन कार्यों में संक्षेपण का बहुत प्रयोग होता है। और कोई, पल्लवन हाँ का एक एग्जांपल क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में जैसे हम लोग फर्स्ट पेज देखते हैं तो जो साइड में एक न्यूज़पेपर जो रहती है, एक तो हेडिंग्स वगैरह रहती है, और एक देखिएगा जो हमारे मैं कहूँ बाएं तरफ एक बहुत छोटा छोटा सा 3-4 लाइन रहता है, विस्तृत जानकारी या विस्तृत पेज नंबर 3 या पेज नंबर 4 पे पढ़े तो क्या उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्ट हेडिंग में दे दिया रहता है, जब अंदर पढ़ेंगे तो हाँ एकदम हाँ उसे खास रहता पल्लवन है। कहा जा सकता है, मगर ज्यादातर पल्लवन में ना उक्तियों का प्रयोग ज्यादा होता है, अच्छा जिसकी अच्छा व्याख्या हो रही है। हेडिंग में ना, हेडिंग की व्याख्या नहीं होती है, वो हेडिंग का एक बड़ा पार्ट होता है, जहां तक मुझे लगता है। मतलब पल्लवन के बारे में मुझे ज्यादा मतलब जैसे हेडिंग की व्याख्या नहीं होती अंदर, हेडिंग को विस्तार, हेडिंग के ऊपर आगे की जानकारी दी जा रही है, वो एक दूसरा, वो रिपोर्टाज है ना आपका, वो पल्लवन नहीं है, वो रिपोर्ट है आपकी। पल्लवन में है कि आपका जो उक्ति है उसकी व्याख्या, उसमें आपके क्या तर्क है, उसमें आपकी क्या बातें हैं, एक्सप्लेनेशन। न्यूज न्यूज में क्या है कि जैसे हेडिंग का वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो हेडिंग के बारे उसकी विस्तृत जानकारी होती है, वो हेडिंग को समझा नहीं रहा होता है ना, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा होता है वो।
वो उसके आगे की जानकारी दे रहा होता है, दोनों में थोड़ा तो अंतर जी 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 मैम बिल्कुल, है ना सर, मुझे जहां तक लगता है, बाकी हाँ, मैं हाँ, गलत हो नहीं सकती सही हूँ, बोल मतलब रहे हेडिंग की क्योंकि व्याख्या वो न्यूज़, नहीं करता। क्योंकि जब हम पत्रकारिता पढ़ते हैं तो मान लीजिए पत्रकारिता कहीं पे आंदोलन हो रहा है, तो फलाने जगह पे आंदोलन जारी, ये हो गया। पे अभी जी आंदोलन कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कि कौन कौन उसमें क्या क्या कह रहा है, वो अलग चीज है, और आंदोलन की व्याख्या करनी एक अलग चीज है, तो दोनों में सही अंतर बात है, तो है। क्योंकि पत्रकारिता का सूत्र में बोला जाता है ना, क्योंकि न्यूज को जो एनलार्ज किया जाता है या कहा जाता है तो बोला जाता है कि हाँ न्यूज में आप वहां पे कर सकते हैं, किसी ने कोट अनकोट किया है तो एडिटोरियल में उसकी व्याख्या किया जाता है कई बार, तो उदाहरण बच्चे दो ही अच्छे आजकल ना ये थोड़ा चेंज हो रहा है, बच्चे एक ही अच्छे हैं सही बात है, तो जैसे बच्चे दो ही अच्छे, अभी इसको आप अच्छे से आप इसका पूरा विस्तृत विवरण इसमें तो आप ये भी आप इसमें आंकड़े भी दे सकते हैं कि इसको क्यों इस चीज को लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया, ये सब दे सकते हैं, तो वो पल्लवन में काम आता है। मगर हाँ कार्यालयीन कार्यों में इसका बहुत ही कम काम है, कार्यालयीन आप ऑफिशियल लेटर में पल्लवन का, ऑफिशियल लेटर संक्षिप्त बातें लिखने पर है तो वहां पे पल्लवन का कार्य मैंने अपने नौकरी में तो अभी तक नहीं देखा संक्षेपण देखा है कई बार, पल्लवन नहीं देखा, हो पल्लवन सकता है संक्षेपण दूसरे दोनों कहीं तो पर। हम मैंने अपनी पढ़ाई में ही देखा है, क्योंकि जब हम लोग जी केवी वगैरह में जो पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश में एक आता था सर, क्लास 8 9th में जिन्होंने भी हाँ केवी, हाँ पढ़ाई में एक आता चैप्टर था, है हाँ सेक्शन, समराइजेशन, एक चैप्टर था इसका समराइजेशन लिखना, हाँ लास्ट में आता मैंने था इसीलिए बोला एक्सरसाइज था। वगैरह में, या फिर जी कई बार 2 लाइन दे देते थे उसे एग्जाम में, बोला था एक्सपेंड करो कि राम एक लड़का है वो बाजार गया, उसके आगे फिर लिखो उसको पढ़ाओ। जी 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 ये स्कूल कॉलेज में ही सीमित है, ऐसी अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई उसमें से आधी चीजें कार्यालय में प्रयोग नहीं होती, क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं होती है, इतना विस्तृत रूप से पढ़ने का सौभाग्य सबको होता नहीं है, तो हम इनफैक्ट 25 साल नौकरी कर चुके लोगों को भी पत्र के प्रकार पढ़ाते हैं कई बार, और उन्हें नहीं पता होता है, तो है पहले की सिस्टम भी थोड़ी अच्छी नहीं रही थी, अभी धीरे धीरे इन्हें कोर्स में डाला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पहले लोग कार्यालय में आके ही कार्यालय इन काम सीखते थे, तो इसलिए दिक्कत था। सही बात है, हम लोग की विश्वविद्यालय एक कोर्स ऑफर करती है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, तो उसमें बहुत बढ़िया पत्रकारिता है, बहुत ही की बढ़िया है, ऑफिस कैसे मैनेज किया जाए ये सब चीज उसमें निकल करके आती है। बहुत ही बढ़िया है, हम हमारे समय में तो हमने ऑफिस आके ही धक्के खा के सीखे हैं बड़ा बड़ी असुविधा हुई है, तो तब समस्याएं भी रही हैं, तो चलिए है मैडम आपके साथ चार स्वानुभूति वाली आज की चीजों पर। कार्यशाला थोड़ी सी बोरिंग तो है ही, हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं, मगर काफी जानकारी, ये सब काम आप अगर ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है ये सब, और इन राजभाषा नियम, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी अगर आप राजभाषा में अपना कोई करियर देख रहे हैं तो राजभाषा नियम और अधिनियमों को अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि वही आपका सबसे जरूरी चीज है, हर जगह पे वही पूछा जाता है, और अगर आप उसमें क्लियर नहीं है तो फिर आपका आगे मतलब करियर भी बहुत सहज नहीं रहेगा, तो इस बारे में जरूर जानकारी रखें, पत्रों के प्रकार आप कार्यालय में काम करते करते सीख ही जाते हैं, और जहां तक यहाँ की जरूरत है तो आशा करती हूँ आज में आज और कोई समस्या नहीं है, तो नहीं मैम इसके इतर तो सर ये कोई सब प्रश्न नहीं आए अभ्यास हैं। से, हाँ दरअसल ये सब बहुत सारी अभ्यास से भी आती है, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो इसमें अभ्यास जरूर करें, इनको हो सके तो खुद भी एक बार लिख के मसौदा बना के ड्राफ्ट बना के इनको अभ्यास करते रहें, इसमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, कुछ किताबें मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, अगर हो सके तो इन किताबों को जरूर पढ़ें, मैं इनको लेकर आई हूँ, एक है आपकी राजभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, ये तो खैर यहाँ पे तो उल्टा हो गया ठीक है, ये किताब है आपकी, इसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी या राजभाषा पत्रकारिता या फिर हिंदी कार्यशाला संदर्भिका, ये अर्जुन सतपति जी ने लिखा है, या फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है राजभाषा हिंदी भोलानाथ तिवारी जी की, ये किताब है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की राजभाषा हिंदी करके किताब है, और भी बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी, किताबों को जरूर पढ़ें, और अगर परीक्षा के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप खुद से लिख के कई चिट्ठियों के मसौदे जरूर तैयार करें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे इस क्षेत्र में खाली पढ़ के ये क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरी तरह फंक्शनल हिंदी है समझ ही रहे हैं, अभ्यास की हिंदी है, तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा।
जी निश्चित तौर पर। तो इसके इतर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई अपनी बात कुछ कहना चाहे तो स्वागत है, अन्यथा क्योंकि समय भी हो गया, समय ज्यादा ही हो गया, तो हम इस कक्षा का फिर समापन की ओर ले जाएं। तो अंतिम में मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके मन में कोई द्वंद, कोई प्रश्न या कोई बात करना चाहे तो उनका स्वागत है, कहें, अन्यथा आज की इस कक्षा को हम लोग फिर आगे बढ़ाएं। चलिए, मैं मुझे नहीं लगता इसके इधर कोई प्रश्न है तो कमी रहते हैं इसमें, काफी बोरिंग टॉपिक है। नहीं चलिए, नहीं वो मैं आपने जैसे कहा ना, ये अभ्यास की चीज है, जैसे हम लोग ये भाषा अभ्यास की विज्ञान चीज। वगैरह की बात करते हैं, तो उसके लिए भाषा विज्ञान की कक्षा में आप अगर सीधे तौर पर बैठ आ जाए, सीधे बैठ जाए, तो वहां पे सिर्फ दो या तीन चीजें ही आपको समझ में आएंगी। तो भाषा परिवर्तन के जो कारण है उसके इतना को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वही चीज है, ये 100 बोरे से टेक्निकल चीजें रहती हैं, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा रहती है। तो विद्यार्थियों से अभ्यास अनुरोध जरूर रहेगा। करते जी हैं इसका। जी 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 मैम, अभ्यास तो इसमें सबसे ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, बिना अभ्यास के नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि सर्कुलर किसे कहते हैं। सर्कुलर को नोटिस कोई कह दे, नोटिस को कोई ड्राफ्ट कह दे, वो कन्फ्यूजन एक बनी रहती है। मुख्य मुख्य चीजों के लिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें, क्योंकि क्लियरली अगर आपको कोई कोई चीज में शंका है तो आपको रिकॉर्डिंग मदद कर सकती है जो जी आपका। जी जी मगर हाँ, अंत में अभ्यास, हम भी अभ्यास करके ही सीखे हैं, मतलब हम भी अभ्यास ही कर रहे हैं, नित नए प्रयोग में अपने कार्यदिन कार्यों में कर रहे हैं तब जाके सीखे हैं। अभी ये छोड़ दे तो शायद हम भी भूल जाएंगे, तो ये सब है। जी मैम चलिए, निश्चित रूप। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका मुझे समय बहुत बहुत देने के लिए, धन्यवाद, आपकी बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि छुट्टी के दिन आपका समय लिया, ऊपर से फिर आज आपकी ऑफिस भी थी, मुझे ज्ञात था नहीं, ध्यान था नहीं, तो इसके नहीं लिए नहीं बहुत आपकी बहुत जानकारी में धन्यवाद। नहीं होगा, अचानक से हम लोग का एक ऑफिस पड़ गया। चलिए जी ठीक जी है सर, जी बहुत मैम बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक कार्यशाला में रहने के लिए, छुट्टी के दिन आप सभी का समय, बहुमूल्य समय देने के लिए, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई, उनके वजह से ही कोई भी कक्षा पूर्ण होती है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद विद्यार्थियों को, हमारे तकनीकी सहायक में जो टीम में थे राधाकांत सुना सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना सर ने एक मैसेज भी लिखा है चैट बॉक्स में कि थैंक यू मैडम, आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सुना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी जी बिल्कुल मैम। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ सर जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। सर। ठीक है मैडम, आज का क्लास बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और हो सके तो मैडम आपका ये जो प्रेजेंटेशन है, जी अगर इसको हम लोग शेयर करेंगे स्टूडेंट लोगों के साथ, तो वो लोग जो लोग नहीं आ पाए हैं, एक तो आज का ये जो रिकॉर्डिंग उनको देख के भी सीखेंगे, और ये प्रेजेंटेशन भी उन लोगों के लिए काफी मददगार होगा। और आपका अच्छा लगा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं ये पीपीटी में काम करूंगी, मैं अभिषेक जी को भेज देती हूँ, तो आप वहां से आप लोग छात्रों को शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल मैं सर, ये पावर पॉइंट, मैंने भी इसको अलग से ही बनाया है, या बहुत ज्यादा रेडीली अवेलेबल टॉपिक नहीं है, बहुत चीजें मिलती भी नहीं है, इसको अलग से बनाना पड़ा है, अलग अलग जगहों से मैंने सोर्सेस से लिया है, तो आशा करती हूँ बहुत ही काम की चीज होगी। तो मैं वो जी जी पीपीटी जी में अवेलेबल। ठीक है सर, मैं ये अभिषेक जी को भेज दूंगी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है अभिषेक जी, फिर यहीं पे इसको बंद करती हूँ। जी जी बंद कीजिएगा। अच्छा सर, नमस्ते।